शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या सब लोगों ने अपनी अपनी वीडियो ऑन कर रखी है? क्वेश्चन आंसर सेशंस बाद में करेंगे, जिसके कोई प्रश्न है तो वो बाद में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें आप पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपनी अपनी वीडियोज ऑन कर लें जैसे मैंने की है, क्योंकि मैं अभी तो सीट पे बिल्कुल सीधा होकर आपको पढ़ाऊंगा, है ना? कर लीजिए, कर लीजिए। वेरी नाइस, ऐसे ही वीडियोज ऑन रखें, बहुत अच्छे से। हाँ, तो सेशन शुरू करते हैं आज का, वास्तु का सेशन। सब लोग वास्तु का ज्ञान लेने आए हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि कुछ एनालिसिस किए जाए। ये मैटर नहीं करता कि ये सेशन पेड है या फ्री है। व्हाट मैटर्स इज कि एक सेशन है, एक विधा है जिसको आप धारण करने आए हैं, और जब आप उसको किसी प्रयोजन से आए होंगे उस प्रयोजन को भी समझना बहुत जरूरी है, और साथ के साथ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं। क्योंकि सिर्फ विधा सीखने से, ऐसे तो दुनिया वास्तु कर रही है, बहुत लोग वास्तु करते हैं, है ना, हर दूसरी तीसरी गली के अंदर आज एक वास्तु वाला आपको मिल जाएगा, पर बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि क्या आप में वो स्किल्स हैं कि आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं। कुछ लोग प्रोफेशनली करने के लिए सीखते हैं, कुछ लोग इसको अपने खुद के उपचार के लिए सीखते हैं, कुछ लोग ऐसा सीखते हैं कि आता है, किताबों से पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा है, पर रेमेडीज चलो थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो सबका अपना अपना प्रयोजन होता है, है ना? तो अपन जानते हैं कि कितना किसको आता है, है? शुरू करते हैं सेशन आज का। आज के सेशन में अपन क्या क्या पढ़ाएंगे इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र के बारे में आपको बताया जाएगा। वास्तु चक्र को कैसे पढ़ना है इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे कि वास्तु चक्र को कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसके अंदर आप ये फोटो नहीं लीजिए, आपको मिल जाएगा। आप एक काम कीजिए, जिस जिसको वास्तु चक्र चाहिए या कुछ भी चाहिए इस प्रकार से, रेमेडीज की शीट चाहिए, ये एक नंबर है 7303314844। इस नंबर के ऊपर आप लोग अपना नाम लिखकर और जो भी चीज आपको चाहिए हो, जो भी स्लाइड चाहिए हो वो लिख दीजिए, वो आपको मिल जाएगी। जैसे किसी को वास्तु चक्र की फोटो चाहिए जिसको हम अभी आगे पढ़ाएंगे, तो आप लिख देंगे तो आपके पास आ जाएगी, तुरंत से आ जाएगी। जैसे अभी रेमेडीज की आगे हम बात करेंगे कि किचन के लिए क्या रेमेडीज यूज करनी चाहिए, टॉयलेट के लिए क्या रेमेडीज यूज करनी चाहिए, कलर्स को कैसे अपन इस्तेमाल करें, कैसे मेटल्स को इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें आप इस नंबर पे जब अपना नाम लिखकर जो भी आपको स्लाइड चाहिए हो आप मेंशन कर दीजिए, वो आपके पास आ जाएगी। फोटो वगैरह ना लो, कोई जरूरत नहीं, जस्ट रिलैक्स, आराम से बैठो, हाँ, क्योंकि अभी आगे आपको पता चलेगा कि इस पूरे वास्तु के पीछे, इस पूरे वास्तु तंत्र के पीछे मूल क्या है। इसके मूल आधार, जैसे अपने जो सात चक्र हैं उनमें से मूलाधार चक्र होता है, जो रूट चक्र जिसको कहते हैं हम, है ना, तो अपने को ये जानना बहुत जरूरी है इस पूरे तंत्र के पीछे का रूट क्या है। अगर तुमको रूट समझते में आ गया तो वास्तु करना बड़ा आसान हो जाएगा। वास्तु तो 3-4-5 क्लासों में सीख जाओगे, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा व्यक्ति इसके अंदर जो सेटबैक लेता है, जब वो फील्ड पे जाता है क्लाइंट के यहाँ, क्लाइंट के यहाँ जाकर जब उसको समझते में नहीं आता कि पीड़ा क्या है, उपचार कहीं और कर देता है, पीड़ा कहीं और होती है, तो यहाँ पर उसको रिजल्ट नहीं मिलते। उसके पीछे के क्या रीजंस हैं ये भी आज बताऊंगा कि क्यों एक व्यक्ति जब कहीं वास्तु करने जाता है तो वो रिजल्ट नहीं ले पाता। ठीक है, अपने कुछ बच्चे अपने साथ एनरोल्ड हैं, वो भी आए हुए हैं आज, और कुछ अपने से पढ़े हुए हैं, बहुत पुराने हैं, जैसे प्रवीण पवार है, 2018 में पढ़ा था, तब से चलता आ रहा है और बहुत अच्छे से बॉलीवुड के अंदर वास्तु करता है, और भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे कर रहे हैं। तो ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये उस मूल तत्व तक पहुंच पाए।
आज के सेशन में अपन प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु प्रैक्टिस इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको भी बता रहा हूँ कि क्यों कोई व्यक्ति ऐसे रिजल्ट्स नहीं ले पाता, क्योंकि वो इसके मूल तत्वों को भूल जाता है। 16 दिशाओं का जिक्र करेंगे, कैसे उनके क्या क्या गुणधर्म है, चक्र पे कैसे उसे आप मैप कर सके, फिर पंच तत्व पंच महाभूत क्या होते हैं। वास्तु शास्त्र में पंच महाभूतों की बहुत बड़ी रेलेवेंस है, क्योंकि पूरा शास्त्र ही थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग के ऊपर है, और बैलेंसिंग किसकी करनी है, तत्वों की बैलेंसिंग करनी है। और इन तत्वों के क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, क्या गुणधर्म हैं, क्या इन तत्वों के मेटल्स हैं, क्या इनके एलिमेंट्स हैं, क्या इनके कलर्स हैं, फिर हम थ्योरी ऑफ क्रिएशन और थ्योरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये तत्वों की ही है, थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड थ्योरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे कि टॉयलेट्स के अलग अलग दिशाओं में क्या इफेक्ट होते हैं और किचन के, और फिर उनको कैसे ट्रीट किया, ठीक है। इसके ऊपर ये बड़ा ही बेसिक सा ओवरव्यू है, पर जितना भी है बहुत काम का है ना, क्योंकि काफी सारे लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं इससे रिलेटेड। तो शुरू करते हैं सेशन अपन आज का, और आज के सेशन में एक सेकेंड होल्ड करो, तो जस्ट एक सेकेंड बस। क्या सब लोगों को मेरी वॉइस आ रही है बिल्कुल क्लियर? अगर आ रही है तो थंब रेज कर दो एक बारी। सबको आ रही है वॉइस? सभी लोग सुन पा रहे हैं? ये कुछ वीडियो पे नहीं बैठे हैं, पता नहीं सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, क्या करने आते हो? संवाद कैसे स्थापित करोगे, बस प्रश्न उत्तर के सेशन में? यही तो प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा से पढ़े हैं, बड़े ही भाग्यवान रहे हैं। आज बड़ा आसान है वास्तु सीखना। हाँ जी, सबको आवाज आ रही है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक, शुरू करते हैं। ये वो कहानी है जो तुम्हें सुनाऊंगा सेशन शुरू करने से पहले, जो गुरुदेव ने सुनाई थी, और बड़ा ही अच्छा इसके अंदर भाव है उसके पीछे का। और वो ये है कि अगर इस प्याले को देखोगे, तुम इस कप को देखोगे, तो इसमें एक सज्जन कुछ पानी डाल रहे हैं, और क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है इसलिए वो कुछ भी दे रहे हैं वो सारा का सारा बाहर ही गिर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी सेशन में आए तो ऐसे ही आए कि आपका जो ये पात्र है ये कुछ खाली हो। मैं ये नहीं कहता पूरा खाली हो, पर कुछ खाली हो, इतना खाली हो कि इसके अंदर जो ज्ञान लेने आए हो उसको तुम रख सको, समेट सको। तो मेक श्योर करना कि अगर भरे हुए आए हो तो जा सकते हो सेशन छोड़ के, मुझे भरे आदमी के ऊपर अपनी मेहनत करना लगाने का कोई शौक नहीं है। और अगर वाकई ही कुछ लेने आए हो तो प्रॉमिस है कि आज कुछ लेकर ही जाओगे, ठीक है। शुरू करते हैं अपन सेशन आज का। अब मैं ये रूम को लॉक कर देता हूं ताकि ये बार बार जो आ रहे हैं ये ना आए, बहुत ज्यादा इनसे डिस्टर्बेंस होती है लोगों से। हाँ, Why you want to learn वास्तु शास्त्र? एक सेकेंड होल्ड करोगे आप लोग? हाँ, ये मेरी वीडियो ऑफ थी, मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला, ठीक है। Why you want to learn वास्तु शास्त्र? वास्तु शास्त्र क्यों सीखना चाहते हो? इनमें से कुछ ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास। एक, वो लोग होते हैं जो अपने लिए सीखना चाहते हैं। एक, वो लोग होते हैं जो सोसाइटी के लिए सीखना चाहते हैं। एक उस प्रकार के लोग हैं, उस कैटेगरी में हैं, जो रेमेडीज के लिए आते हैं कि हमें रेमेडीज पता चल जाए। वास्तु तो आता है लेकिन रेमेडीज नहीं पता। कुछ हॉबी वाले होते हैं, ऐसे ही बस चलो टाइम पास कर लेते हैं। कुछ लोगों का पैशन होता है कि जितना और ज्यादा और ज्यादा,
सीखना ही सीखना है। तो पैशन वाले बहुत ही मेरे प्रिय हैं, और कईयों का है कि उन्हें पता ही नहीं कि क्यों सीखने आए हैं। कुछ लोग इसलिए आए हैं कि सेशन सर ने फ्री रख दिया इसलिए चलते हैं, चलो सैटरडे है। कुछ लोग केस स्टडीज के उसके लिए आए हैं, प्रयोजन उनका यह है कि कुछ केस स्टडीज कर लेते हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ लोग इसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन कैसे होनी चाहिए ये लेने के लिए आए। तो आप कौन सी कैटेगरी वाले हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर नीचे ये जो सपोर्ट नंबर है इसमें आप अभी थोड़ा मोबाइल अपने हाथ में ही रखना, हाँ, क्योंकि आगे स्लाइड्स थोड़ी दो चार ऐसी ही हैं। तो ये जो सपोर्ट नंबर है इसके ऊपर आप टेक्स्ट कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं, इनमें से कौन हो आप, ताकि मुझे भी आपके बारे में पता चले। और सिर्फ नंबर लिखना अपने नाम के आगे जो आपका नाम है, एक ही बारी अपना नाम टेक्स्ट करना, बार बार करने की जरूरत नहीं है। कौन सी कैटेगरी के हैं, व्हाई यू वांट टू लर्न वास्तुशास्त्र, इसके बाद आप जो है ये नंबर इसके ऊपर लिखिए। वेरी नाइस, सब लोगों के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, मैं ऐसा समझता हूं कि आप जिस भी प्रयोजन से आए हैं, चाहे वो सेल्फ के लिए आए हो, समाज को कुछ देने की भावना से आए हो, रेमेडीज सीखने आए हो, जो भी आपका प्रयोजन है, मैं गुरुदेव से ये प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रयोजन सिद्ध हो। जिस भी मनोस्थिति से, जिस भी सोच समझ से, जिस भी बोध से, जिस भी बुद्धि से आप लोग यहाँ मेरे से ये सीखने आए हैं वो पूर्ण हो, ऐसा मेरी गुरुदेव से प्रार्थना है। अपने बारे में थोड़ा बताओ कि क्या हो, कैसा तुम्हारा बिहेवियर है, क्या तुम काम हो, कंटेंट हो, कैसा तुम फील करते हो, पेशेंस फील करते हो या इम्पल्सिव फील करते हो, कंफ्यूज्ड हो, डरे रहते हो, क्या है तुम्हारा एट्रीब्यूट इसके बारे में बताओ, या कुछ लालच है, यही है ना, यही होता है व्यक्ति में, या तो वो बहुत कंपोज रहता है, बहुत काम रहता है ना, या व्यक्ति इंपल्सिव होता है कि बस फटाफट से यार क्या ही करा रहे हो, 16 दिशाएं पढ़ाओ ना फटाफट, जल्दी का अपने पास कोई भी है नहीं सिस्टम। कंटेंट, पेशेंस है, इंपल्सिव हो, कंफ्यूज्ड हो, क्या हो अपने बारे में लिखो और टेक्स्ट करो। हाँ, क्या तुम तैयार हो, ये बहुत जरूरी है, तैयारी बहुत जरूरी है। हाँ? तो सबसे पहला प्रश्न तुम्हारा तुमसे होना चाहिए कि क्या तुम इस विधा को लेने के लिए तैयार हो, उसके लिए क्या तुम अच्छे सुनते हो, अच्छे से सुन पाते हो, तुम्हारे अंदर वो पेशेंस है कि तुम सुन सकते हो कि नहीं, क्या अच्छे से देख पाते हो, ऑब्जर्वर हो कि नहीं, अच्छे से वाणी से बोल पाते हो कि नहीं, अच्छा लिख सकते हो कि नहीं, और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं। अगर इन पांचों में से कोई एक भी तत्व तुम्हारा डिस्टर्ब है तो उसको ठीक कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। पर बी ऑनेस्ट, सपोर्ट वाले नंबर पे टेक्स्ट करो कि इनमें से वो कौन से पांचों में से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हें मेहनत करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये जितनी भी वैदिक विधाएं हैं ये सुनते की, देखते की, करते की, लिखते की और बोलते की विधाएं, सारी की सारी प्रैक्टिस का मामला है। तुम अगर अच्छे से सुन नहीं सकते हो तो क्लाइंट की जो जो क्लाइंट का जिसे कहते हैं पीड़ा है, उसको अच्छे से सुनोगे नहीं, जल्दबाजी में कुछ भी लिख दोगे। अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो तो किसी के भूखंड पर जाओगे, किसी के क्षेत्र में जाओगे, किसी के घर में जाओगे, किसी की फैक्ट्री में जाओगे, तो वहां पे अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, अच्छे से देख नहीं पाओगे, ओवरलुक कर दोगे चीजों को। अच्छे से बोल भी सकते हो कि नहीं, बोल सकते हो का मेरा मतलब है कि क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो,
क्योंकि क्लाइंट या तुम्हारे कोई भी मित्र हो, अगर तुम सोशल कॉज के लिए भी इसे कर रहे हो तो सामाजिक तौर पर भी तुम्हें ये बताना पड़ता है कि ये जो तुम कर रहे हो इसके पीछे का तात्पर्य क्या है। हा? इसके बारे में तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, तुम्हारी वाणी सिद्ध होनी चाहिए। क्या तुम अच्छे से लिख सकते हो? अगर लिखने में कंजूसी कर रहे हो तो वैदिक विधाएं तुम्हारे लिए नहीं बनी है। अगर अच्छे से लिख सकते हो, लिखने में बिल्कुल तुम्हारा हाथ टाइट नहीं है, तुम्हें आलस्य नहीं आ रहा, तो तुम क्लाइंट की रिपोर्ट विस्तार से बना पाओगे। और जैसा मैंने कहा कि एक करते की विधा है, प्रैक्टिस करने में होता है। स्टार्टिंग में जब गाड़ी सीखते हो तो दो चार बारी कहीं ठोकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपना मनोबल गिरा लो। अपना मनोबल वैसे ही उठा के रखना, कहीं दो चार पांच गलतियां कर ली, इट्स ओके, उसको फिर ठीक करो। तो इसलिए निरंतर प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर हाँ तो ये विधा तुम्हारे लिए बनी है। हाँ जी, ये हैंड्स अप करके, हैंड रेस करके क्या पूछते हो भाई? अभी बाद में पूछना, अभी कुछ नहीं, सेशन के बीच में कुछ भी कृपया करके अभी चलने दें ऐसे फ्लो के अंदर इसको, ऐसा मेरा आप लोगों से अनुरोध है। जिसको आवाज नहीं आ रही है अब, हाँ जी, किस तरह की प्रकृति है ये भी जानना बहुत जरूरी है तुम्हारी। क्या तुम स्पिरिचुअल हो? मैंने कहीं सारे लोगों को सुना है कि वास्तु का स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अगर तुम में भाव ही नहीं है, तुम स्पिरिचुअल ही नहीं हो, तो तुम कैसे वैदिक विधाओं को, इस वैदिक विजडम को कैसे प्राप्त कर सकते हो? क्या तुम में फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड है? क्या तुम थैंक यू बोलते हो हर चीज को? छोटी छोटी बातों पे थैंक यू बोलना आता है तुम्हें कि नहीं आता है? क्या तुम खुश हो, काइंड हो? क्योंकि अगर काइंड नहीं हो तो क्लाइंट की पीड़ा को फील ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारा अगर हार्ट काइंड हार्टेड नहीं है, हार्ड हार्टेड है, तो क्लाइंट कुछ बोलता होगा तुम्हें मतलब ही नहीं होगी, तुम्हें अपने पैसों से लेना देना होगा, वही मामला खराब है। और क्या तुम ऑनेस्ट हो? सबसे पहली चीज ये है कि क्या तुम अपने आप से ऑनेस्ट हो? क्लाइंट से तो बहुत दूर की बात है, रिश्तेदारों से, फैमिली से बहुत दूर की बात है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर यू ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया, उसमें मैंने लोगों को कहा कि आप बताएं कि क्या आपको पहले से वास्तु आता है या फर्स्ट टाइम सीखने आए हैं। आप बिलीव करें, 99% लोगों ने कहा बिगनर है, फर्स्ट टाइम आए हैं, और उसमें से 80% लोग पहले सीख के आए हुए थे। क्योंकि जब तुम प्रश्न करते हो तो मुझे समझ में आ जाता है कि तुम सीख के आए हुए हो, तुम अभी बिगनर वाले प्रश्न ही नहीं कर रहे हो मुझसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ऑनेस्ट रहें। कहीं से सीख के आए हो तो अगर इस बात को छुपा रहे हो तो तुम अपने गुरु का ही, जिससे सीखे हो, उसी का ही निरादर कर रहे हो। एक बात का ध्यान रखना, सभी आचार्य जितने भी हैं सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी आदरणीय हैं। अगर तुम इस विधा को सीखना चाहते हो तो आदर करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो। और छुपा के किससे छुपा रहे हो? तुम्हारे मन को, तुम्हारे अंदर बैठी उस जीवात्मा को तो मालूम ही है ना कि तुम सीखे हो। तो अगर सीख के आए हो तो कभी भी ऐसा कोई फॉर्म हो, डिक्लेरेशन हो, उसमें लिखो कि हम सीख के आए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग ऑनेस्ट होते हैं, है ना। और क्या तुम जीवन में प्रैक्टिकल हो? बहुत ज्यादा भावुक तो नहीं हो? पता चला तुम कंसल्टेशन के लिए गए हो, वहां क्लाइंट का परिवार रो रहा है, यहाँ तुम रोने लग गए, चुप कौन कराएगा भाई? थोड़ा सा भावुकता के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। ये वो तत्व है, ये वो मूल है जिसमें लोग मंचते नहीं है और फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आ। क्योंकि सबसे पहले तो तुम स्वाध्याय करो, स्वयं का अध्ययन करो कि क्या तुम इस काबिल भी हो इस विधा को धारण करने के लिए। नहीं हो तो उस पर वर्किंग करो, और अगर वर्किंग करनी नहीं आती तो मैं सिखा दूंगा। हाँ, क्या तुम्हारी मान्यताएं हैं? क्या तुम मानते हो गुरु शिष्य परंपरा को कि नहीं? मैं तो मानता हूं। मैं आज भी, मेरे गुरुदेव ने सिखाया कि सभी लोग जो भी पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्या वास्तु, क्या एस्ट्रोलॉजी, क्या साइंस, क्या मैथ्स, सारे ही टीचर आदरणीय हैं। क्या तुम वैदिक विधाओं में बिलीव करते हो? क्या तुम मेडिटेशन करते हो?
योग में तुम्हारा कुछ बिलीव है और क्या तुम कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस है तुम में? अगर ये सब कुछ तुम में है तो तुम एक बहुत ही उत्तम प्रोफेशनल एंड सर्टिफाइड वास्तु एक्सपर्ट बन सकते, और अगर नहीं है तो वाह प्या जाने, राह प्या जाने, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तुमको कि क्यों मैं ये बातें बोल रहा हूं। शुरू करते हैं। सब लोगों के पास कॉपी आ गई है व्हाट्सएप के ऊपर इसकी चक्र की? नहीं आई है तो इस नंबर पे मैसेज करें, और मैसेज करने के बाद अपना नाम जरूर लिखें और वास्तु चक्र लिखें, इसकी कॉपी आ जाएगी आप लोगों के पास। कर लीजिए, मैं एक दो मिनट वेट कर लेता हूं आप लोगों का। कर लीजिए। एक बात बताता हूं, प्रोफेशनली ये मेरा पैशन है जो मैं कर रहा हूं। प्रोफेशनली आई एम एन एक्स सिविल एविएशन ऑफिसर। करीब जीवन के कुछ बहुत सारे साल ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न एयरपोर्ट पर मैंने बिताए हैं, पर मैं एक बात जानता हूं कि जितना मजा, जितना आनंद वैदिक विधाओं में आता है उतना मुझे नहीं आया, चाहे मैंने सर्विस करी इतने साल, पर इतना मजा नहीं आया, क्योंकि अलग ही अनुभव होता है जब किसी क्लाइंट के यहाँ तुम जाते हो, निदान देते हो, और उसके बाद जो वो अपने को लिखता है ना कि भैया थैंक यू, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। प्रवीण हंसता है क्योंकि प्रवीण वो फ्लेवर कई बारी ले चुका है। तो ये बड़े ही मजेदार, जिसे कहते हैं आलादित करने वाली विधाएं हैं, बट डिसिप्लिन में रहकर। इन डिसिप्लिन में तुम कहो चलते चलते वास्तु कर देते हैं, कोई तुक्का लग गया तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, अन्यथा थोड़ा सा कठिन ही रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे बार बार, खूब प्रैक्टिस करोगे तभी विधा सिद्ध होगी। जब व्यक्ति बहुत प्रैक्टिस करता है तभी विधा उसकी, जैसे बार बार साधते हो किसी चीज को, सुरों को साधते हैं तो सुर सिद्ध हो जाते है ना, ऐसे ही विधा को साधते हैं तो विधा सिद्ध हो जाती, फिर धीरे धीरे कंठस्थ हो जाएगी, फिर ये आत्मसात हो जाएगी, फिर उसके बाद तुम्हें मजा आने लगेगा इस सुन, है ना। बट गिवअप नहीं करना, अगर एक बार ही ठान लिया कि अपने को करना है तो करना है, फिर गिवअप नहीं करना, है ना। कोई एक आदि कहीं रिजल्ट नहीं आए तो गिव अप कर जाओ, अरे ये तो हो ही नहीं रहा, अभी तुमको बताऊंगा, तुम अपने ही करके देखना, अपने ही कर लेना। क्या है वो, हाँ, चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और 16 ही दिन हैं जिनमें रिजल्ट आएंगे। रेमेडी दूंगा, ठीक है, चले आगे। मुझे लगता है सब लोगों ने मैसेज कर दिया होगा, कोई ऐसा, ऐसे कोई अनुभव है तुम्हारे तो उसको हम बाद में सुनेंगे, डिस्कस करेंगे, पर अभी हम आगे चलते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब कोई पीड़ा होती है, कोई स्ट्रगल होता है या कोई हर्डल होता है, तो वो तीन ही कारणों से होता है, उसके तीन ही मूल कारण हैं। उनमें से एक है कि उसके खुद के होते, खुद के गलत, सेल्फ बिहेवियर। ये बहुत जरूरी है कि तुम्हारा खुद का आचरण कैसा है, है ना। ज्यादातर जो पीड़ाएं होती हैं वो आपे की होती है, अपने आप सेल्फ जनरेटेड, बेवजह के थॉट प्रोसेस, तुमने कुछ कुछ अपने मन में पका लिया किसी के लिए, फिर वो अंदर ही रह गया, वो जो बीज बोया था वो बबूल बन गया, फिर तुम्हें पीड़ा हुई, कोई बीमारी लग जाती है, कोई टेंशन हो जाती है, कोई बीपी, है ना। तो सबसे बड़ी पीड़ा व्यक्ति की सेल्फ जनरेटेड होती है, आपे की, ये जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को हर समय वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का ही उपचार चाहिए, कई बार उसको कोई एक मित्र चाहिए होता है जिससे वो बात कर सके और अपना मन हल्का कर ले। तो वास्तु कंसल्टेंट या वास्तु एक्सपर्ट सिर्फ एक वास्तु वाला ही नहीं होता, एक अच्छा मित्र भी होता है, इस बात का ध्यान। तो दूसरी जो पीड़ा होती है वो होती है उसके वातावरण की, एनवायरमेंट की। हमने कई बार देखा है जब कोई व्यक्ति वाणी से कुछ गलत बोलता है तो हम क्या कहते हैं, इसका माहौल ही खराब है ना,
इसका जो एनवायरनमेंट है, इसका बॉटम है, हम सीधा उसके एनवायरनमेंट पे कई बार जा चुके हैं, लेकिन कभी उसको बहुत सीरियसली इस प्रकार से साधा नहीं कि एनवायरनमेंट का इतना इंपॉर्टेंट रोल है तो उसको बैलेंस कैसे करें एनवायरनमेंट को। तो जो एनवायरनमेंटल पीड़ा होती है जब किसी व्यक्ति को, तो वो वास्तु से रिलेटेड पीड़ा है। और जब कोई प्लैनेट से रिलेटेड पीड़ा होती है, ग्रहों से, तो ग्रह चाल स्थिति उसके करते, उसकी कोई महादशा, अंतरदशा, प्राण, सूक्ष्म, है ना, तो ये दशाएं जब उसकी आती हैं, तो उसकी उस दशाओं में उसकी जो सिचुएशन होती है वो या तो उसके फेवर में हो जाती है या उसके फेवर में नहीं होती है। तो तीसरी जो पीड़ा होती है वो कॉस्मिक होती है। अब रही कॉस्मिक पीड़ा की बात, तो जो प्लैनेट्स हैं वो मीलों मील दूर हैं, अपने से बहुत दूर हैं, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि प्लैनेट की ही दृष्टि हम पे पड़ रही है। पूरी की पूरी थ्योरी जो कॉस्मिक है यानी प्लैनेटरी है, वो थ्योरी ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है। भाई दो प्लैनेट्स की ऊर्जाओं के मेल से कुछ पर्टिकुलर तिथि में कुछ ऐसा घटित होता है जिसके करते व्यक्ति या तो राइट डिसीजन लेता है या रॉन्ग डिसीजन लेता है। ऐसा ही वास्तु में भी है। जब तुम्हारे घर में जो ऊर्जाएं हैं, जो एनर्जीज हैं, अर्थ एनर्जीज जिसको हम बोलते हैं, जब वो बैलेंस्ड होती हैं तो आप लोग राइट डिसीजन लेते हो लाइफ में, और जब वो इम्बैलेंस हो जाती है तो डिसीजन उल्टे पड़ने शुरू। तो पूरा का पूरा जो शास्त्र है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग। इस बात का आप ध्यान रखें, है ना, चाहे वो मानसिक संतुलन हो, चाहे शारीरिक संतुलन हो, चाहे अपने घर का स्पेस जहां हम रहते हैं, वास्तु में उसको हम स्पेस बोलते हैं क्योंकि उसके आसपास की जो अपनी बाउंड्री लग जाती है वो अपना एक इंडिविजुअल स्पेस है हमारा। एक स्पेस तो बाहर का है और एक इंडिविजुअल हमारे घर का है, है ना। तो जो तीन प्रकार की पीड़ाएं हैं मूलतः, वो सेल्फ जनरेटेड है, एनवायरमेंट वास्तु से रिलेटेड है और प्लैनेट से रिलेटेड है। तो अपने को ये भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि पीड़ा किस चीज से आ रही है व्यक्ति को। खुद से हो रही है, कई बार सब कुछ ठीक होता है, उसका खुद का ही बिहेवियरल पैटर्न ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी मानसिक तनाव में रहता है वो, ऐसी ग्रंथियां बना लेता है इमोशंस की अपने अंदर जिसके करते खुद से खुद क्रॉप करता रहता है, वो चीजें पाइल अप होती रहती हैं और होता कुछ नहीं है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, राई का पहाड़ बना के व्यक्ति बैठा होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्माणे, यथा ब्रह्माणे तथा पिंडे। जो आउटसाइड है वो इनसाइड है और जो इनसाइड है वो आउटसाइड है। जो भी बाहर तुम्हारे घर के माहौल में घटित हो रहा है उसका सीधा सीधा कनेक्शन तुम्हारे मानसिक तल पर होता है, तुम्हारी सोच पर होता है, तुम्हारे कर्ते पे होता है, यानी कि तुम्हारी क्रिया शक्ति पर होता है। वास्तु से सीधा कनेक्शन हमारे अचेतन मन का है। जो हमारे घर का माहौल होगा ऐसा ही कुछ प्रोग्राम हमारा अचेतन मन कंसीव करता है और अकॉर्डिंगली कमांड देता है टू मैनिफेस्ट रिजल्ट्स इन आवर लाइफ, है ना। तो ऐसा कहा जाता है वास्तु इज मिरर इमेज ऑफ आवर सबकॉन्शियस। क्योंकि एक ऐसा समझो कि एक टावर है, उसने सिग्नल लिया, तो अचेतन मन ने तुम्हारे घर में पड़ी हुई वस्तुओं से सिग्नल लिया क्योंकि वो इन पिक्चर्स की भाषा अच्छे से समझता है। तो उसने एक सिग्नल लिया, सिग्नल लेकर अगर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उस सिग्नल की आगे कोई डायरेक्शन नहीं है कि उसको कौन से टावर पे कनेक्ट करना है, तो कभी वो कनेक्ट करेगा, कभी कहीं कनेक्ट करेगा, कभी कहीं कनेक्ट करेगा। पर अगर तुमने अपने क्लाइंट को एक राइट डायरेक्शन दे दी उस सिग्नल की, तो वो उसी टावर पे जाके कनेक्ट करेगा जहां उसका नेटवर्क एस्टेब्लिश होना चाहिए। क्योंकि अगर वास्तु वाला कुछ कार्य करके आता है किसी के घर पे, तो हम सब ने देखा है ये बात कि वो तो अपने घर पर है, लेकिन जो ओनर है प्रॉपर्टी का या व्यापार का, वही डिसीजन लेता है और वो डिसीजन उसके उसके फेवर में आ जाते हैं। तो कर तो वही रहा है ना। तो वास्तु वाले के पास ये विधा होती है कि वो उसके घर के माहौल को ऐसा सेट कर लेता है, उस एनवायरनमेंट को इतना बैलेंस कर देता है कि वहां के जो तत्व हैं, जो ऊर्जाएं हैं, वो उसके फेवर में ही सारे डिसीजन जाते हैं। पर ये फेवर में डिसीजन जाने के पीछे का जो लॉजिक है वो पूरा का पूरा ब्रेन बेस्ड है, न्यूरो बेस्ड है,
पूरा का पूरा लॉजिक, माइंड बेस्ड गेम है ना। मैंने कहीं सारे लोगों को सुना है, आजकल अपने पास भी, पहले इतनी क्वेरी नहीं आती थी, इंट्यूटिव करना है जी, इंट्यूटिव, हर व्यक्ति इंट्यूटिव फोन करता है। आज मेरी टीम ने मुझे अपडेट किया कि सर इंट्यूटिव बनना चाहते हैं बहुत लोग। अरे तुम बनना क्या चाहते हो, तुम सब इंट्यूटिव हो भाई, पांच तत्व है, पांच सेंसेस है, है ना, और छठी सेंस इंट्यूटिव कहा जाती है, और सातवीं जो होती है छठे के अलावा आगे वाली वो नॉनसेंस होती है ना। तो इंट्यूटिव सेंस क्या कर सबके पास है, यहां मिट्टी चढ़ा के बैठे हो, ध्यान लगाओ हटेगी, हटाते क्यों नहीं हो है? कोई और आके तुम्हें इंट्यूटिव बनाएगा, हो ही नहीं सकता, तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं या कोई भी तुम्हें सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है कि अगर तुम्हें बठिंडा जाना है तो यहां से ये रास्ता है, जाओगे तो तुम ही, मैं तो नहीं जाऊंगा। बीच में स्पीड ब्रेकर आएंगे तो तुम्हारे, टोल आएंगे तो तुम्हारे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो तुम्हारी, है ना। क्योंकि मैंने क्या कहा, वास्तु वाला तो वास्तु करके आ जाता है, उसके बाद जो डिसीजन मेकर होता है वो अपने जीवन को ड्राइव करता है, वो लेके जाता है अपनी गाड़ी को आगे, वास्तु वाला नहीं लेके जाता, वास्तु वाला सिर्फ माहौल सेट करके आता। तो सबके पास है, फिर मेरे पास टीम ने, हमने कहा हम आचार्य कोर्स में तो कराते हैं, अभी जनवरी में, फरवरी में आचार्य कोर्स कराया है बच्चों को अपने, तो उसमें कोई, मैं उनको कुछ ऐसा इंट्यूटिव नहीं बनाता हूँ, वो इंट्यूटिव ही होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस एक विधा है, उस विधा को कैसे करना है उसको बताया जाता है। तो सब लोग इंट्यूटिव सब लोग भी नहीं होते, ये भी बता दूं, गिनती के लोग ही हो पाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है आर यू ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। सुबह सुबह उठ के मैसेज डालने से कि सर अटेंडेंस लगा दी, 4 बजे की हम मेडिटेशन कर रहे हैं और अटेंडेंस डाल के फिर सो गए, सर्दियों का समय है ना, तो कोई तुम्हें इंट्यूटिव नहीं कर सकता, तुम खुद ही अपने आप को इंट्यूटिव कर सकते हो भाई, चक्करबाजी में मत पड़ो। और इंट्यूटिव होने से तुम्हें क्या लगता है कि जीवन सरल हो जाता है, इस पार भी दुनिया है और उस पार भी दुनिया है, जब उस पार की दुनिया को देखने लग जाओगे तो इस पार की दुनिया थोड़ी कठिन लगती है, ये ध्यान रखना, है ना। तो जितना जीवन सरलता में रखोगे, हाँ तुम कोई कंसल्टेंट बनना चाहते हो और उसके लिए तुम्हें कोई इस प्रकार की विधा चाहिए, दैट इज फाइन, वो चलता है, लेकिन हर घर में इंट्यूटिव होगा तो पति पत्नी का बड़ा मुश्किल है भाई, ध्यान रखना। तुम्हारे घर में तुम्हारे 4 लोग फेवर में बात करने वाले और 4 नहीं। एक किसी ने कहा, हम ऐसे ही बैठे थे सर तो हमने सोचा हम देखे हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है। अरे ये इसलिए है विधाएं, ये तुम्हारे एसेट्स हैं, तुम्हें अपने एसेट्स को बर्बाद करते हो, कभी अपने एसेट्स को एक्सपोज करते हो किसी को, अपने एसेट्स को अपने में समेटो, जितना इन्हें समेटोगे जितना इन्हें संजोगे उतना ही जीवन में ये बढ़ते जाएंगे। और बेवजह पड़ोसियों के ऊपर खर्च करोगे कि अपने इंट्यूटिवली देख लें उसकी घड़ी कहां पड़ी है, घड़ी है मिल जाएगी, वो गाड़ी किसी की खो गई वो इंट्यूटिवली चेक कर रहा है गाड़ी कहां, इंश्योरेंस होती है गाड़ी की। पीड़ा हो, कोई बहुत ज्यादा पीड़ा हो, कोई ऐसी पीड़ा हो, फिर तुम अपनी इन इंट्यूटिव सिक्स सेंस, और सब लोगों को कभी ना कभी तो इंट्यूशन हुई होगी, तुम्हें लगता होगा नहीं यार इस आदमी से काम नहीं करना, ये धोखा दे देगा, इससे रिलेशन नहीं बनाना, ये धोखा दे देगा, इस व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी, ये धोखा दे देगा। तो क्या है वो जिसे तुम गट फीलिंग कहते हो, ठीक है आगे चलते हैं हम। हाँ, और भूदेवी की बड़ी कृपा है हम सब पे, जो ये शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है, इस शास्त्र के माध्यम से हम अर्थ एनर्जीज को बैलेंस करके रिजल्ट्स ले सकते हैं। क्या ये एक साइंस है? हाँ, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ साइंस है, क्योंकि अगर 1+1=2 है तो इसके अंदर भी ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर दिशा में पर्टिकुलर तरह का मेटल रखने से या पर्टिकुलर तरह की रेमेडी रखने से या कोई चित्र लगाने से रिजल्ट आते हैं, है ना।
तेजस कुमार घोष, क्या खाते हो? खाने आए हो, सीखने आए हो? हाँ, 3 घंटे का सेशन है, ऐसी कौन सी बुक है? सीखो भाई, सीखने आए हो तो। हाँ तो कहाँ डिस्कनेक्ट हो गए यार, क्या बात करते थे? इसे क्या बात करते थे? ये मेरे साथ बहुत पुराना है, ये आजकल ये सिमी बैठे हैं, बहुत पुराने पुराने बच्चे बैठे हैं, कहीं कनेक्शन कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, हाँ इट्स अ साइंस, ईशा जी कह रहे हैं ये साइंस है। ठीक है, तो साइंस भी है और कुछ मिस्टिक्स है, कुछ साइंस है, इस बात का ध्यान रखना। और सारी चीजें तुम कहो कि किताब में प्रूफ करके दो, नहीं हो सकती है ना। टेलीपैथी प्रूफ टेलीपैथी के अनुभव है, वैदिक विधाओं के अनुभव है, ये अनुभव ही है जिससे केपी सिस्टम बना है, पराशर ऋषि ने लिख दिया है ना, शास्त्र बने हैं अनुभव के बेस पे, हैं ये सारे ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। तो हर एक चीज लिखत नहीं है, कुछ चीजें अनुभव की हैं और वैदिक विधाएं अनुभूतियों की विधाएं हैं, इसका ध्यान में। ठीक है, खा लो तेजस, खा लो, कैमरा ऑफ करके खा लो मेरे भाई, भूख लगी होगी। हाँ शुरू करते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स अपन ले सकते हैं वास्तु शास्त्र के माध्यम से? बेनिफिट्स आते हैं कि एक व्यक्ति जिसके जीवन में क्लैरिटी नहीं होती, उसे ये नहीं मालूम होता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है ना। ऐसे तो सब लोगों के जीवन का अलग अलग लक्ष्य है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को नेम लेना है, किसी को फेम लेना है, पर मैं ये समझता हूँ कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी। जब व्यक्ति को किसी चीज में क्लैरिटी नहीं होती, क्लाउडीनेस रहती है माइंड में, तो बहुत पीड़ाएं होती हैं उसे जीवन में। तो व्यक्ति के जीवन में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। क्लैरिटी हम इससे वास्तु शास्त्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो इसके बाद बताता हूँ। हैप्पीनेस, खुशी का माहौल अपन ले सकते हैं, किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करना, अपना एक दबदबा समाज में बनाना, अपना एक गुडविल रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ हम ले सकते हैं इसके अंदर। अगर व्यक्ति को जीवन में सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, चाहे वो बैंक से हो, रिश्ते से हो, किसी मित्र से हो, पार्टनरशिप में हो, उन सब का भी उपचार अपन इसके माध्यम से कर सकते हैं, वास्तु के माध्यम से। वास्तु के माध्यम से तुम सब चीजें कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में पीड़ाएं आनी शुरू हो जाती हैं जब उसके घर में फाइनेंशियल क्रंच होना शुरू हो जाता है। ये एक बॉटम लाइन है, बड़ी थिन लाइन है, कि जब कभी भी डिजायर्स, फाइनेंशियल क्रंच प्लस डिजायर्स, डिजायर्स की पूर्ति नहीं हो रही और पैसे का क्रंच शुरू हो गया, तो रिलेशन में अनबन शुरू हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है, फिर छोटी छोटी बातें भी व्यक्ति उठा लेता है, क्योंकि खाली दिमाग, काम करना नहीं। कुछ काम करेगा तो अपना मनस कहीं किसी व्यवस्था में लगाएगा। तो इसलिए जब व्यक्ति खाली होता है, पैसा आना बंद हो जाता है उसके पास, तब उसकी पीड़ाएं मूलतः शुरू हो जाती है। और वास्तु का मेजर जो प्रयोजन है वो पैसे से है, बाकी तो एक्सटेंशंस हैं इसकी, बाकी सारा एक्सटेंशन है मामला। अगर अगर हम बात करें रिलेशनशिप वाली दिशा की, तो अगर व्यापार में रिलेशन खराब हो रहा है तो भी पैसा हैम्पर हो रहा है या पैसे के करते हो रहा है ना। तो मूल जो है वास्तु शास्त्र का, बिल्कुल बेस थिन लाइन है एक, जिसको कहा जाता है कि यहां से शुरू होती है पीड़ाएं, वो है पैसा। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो वो भी पैसे से रिलेटेड है। नेम फेम, अगर व्यक्ति पे पैसा होता है तो ही उसका बहुत अच्छा नाम होता है, या उसके कर्म कोई अच्छे हो, बहुत सिद्ध कर्म हो उस व्यक्ति के, है ना। तो ये कुछ रीजंस हैं जो मुझे समझ में आता है कि घूम फिर के गाड़ी वहीं आके एक बिंदु पे रुक जाती है, और वो है पैसा। और तुम्हें बताता हूँ, गुरुदेव कहते हैं कि कभी भला करने के चक्कर में ज्यादा मत रहना, तब तक जब तक तुम कंटेंट ना हो। आपने भी खूब फीस चार्ज करी है, इससे पहले कभी ये सेशंस नहीं कराए ऐसे फ्री वाले, ये दूसरा सेशन है, और कभी भी अफोर्डेबल लर्निंग प्रोग्राम नहीं लॉन्च किया, इस बार ही किया,
क्योंकि एक बालक एक बच्चा आया वो बोलता सर क्या वास्तु वही सीख सकते हैं जो हैवी फीस दे सकते हैं। तो अपने उसको कैटेगराइज कर दिया कि भैया जिसने लाइव क्लासेस पढ़नी है उनकी फीस ये हो गई है, जिन्होंने संडे के संडे पढ़नी है उनके लिए एक अफोर्डेबल लर्निंग प्रोग्राम कर दिया कि 2100 रुपये दो वास्तु एक्सपर्ट कोर्स के अंदर एनरोल हो जाए। और कंटेंट सेम है, कंटेंट को चेंज नहीं किया कि यहाँ कहीं कम पैसे हैं तो वहां से माल हटा लिया जाए, नहीं ज्यादा ही है, कम नहीं है, एक्सपर्ट है। तो ठीक है, अब जब तक तुम खुद से कंटेंट ना हो तब तक ऐसा तो मुझे एडवाइस किया गया था कि बहुत ज्यादा भले के चक्कर में नहीं रहना, है ना, नहीं तो लोग भला ही करवाते रहेंगे। तो इसीलिए अपने कंसल्टेशंस भी करते हैं अपन, जो है बच्चों को पढ़ाते भी हैं, दोनों ही काम करते हैं, और गुरुदेव की कृपा से बहुत अच्छे से कंसल्टेशन आती है। गुड़गांव में नाम है अपना खूब अच्छे से, बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ अपन कंसल्ट करते हैं। ये बच्चे तो आए हुए हैं मेरे घर पे, ये परवीन वरवीन सब लोग ये आए हुए हैं, ये क्या नाम है इसका, गुड़िया का, ये सिमी। हाँ तो तुम सब कुछ कर सकते हो वास्तु के माध्यम से, पर करने की विधा है, खाली टेपे लगा के वास्तु नहीं होता, ये ध्यान रखना। हाँ तो एंगुलर डिवीजन थ्योरी क्या है, ये 360 डिग्री बेस्ड थ्योरी है, 16 दिशाओं के ऊपर है, 22 डिग्री पर 22.50 डिग्री की एक दिशा है, 16 से मल्टीप्लाई किया तो 360 है। पर मैं बहुत ऑनेस्टली तुम लोगों से एक बात बताता हूं कि 360 डिग्री तो ठीक है, लेकिन मैं आज भी क्लाइंट के यहाँ जब वर्किंग करता हूँ तो वैदिक सिस्टम से भी करता हूँ। अगर कृष्णमूर्ति पद्धति आई है तो उसमें खाने वो जो 12 है ना अपने हॉरोस्कोप के, वो फिक्स हैं, वो उसमें भी है, कस वो हो गया है। तो जितना भी शास्त्र है, चाहे वो 16 दिशाएं हो सकता है इससे भी ज्यादा एलेबरेट हो जाए आगे, है ना, अगर 16 दिशाओं का 360 डिग्री शास्त्र भी है तो उसके पीछे के जो देवता 45 देवता कहे गए हैं वो वैदिक ही हैं सारे के सारे। तो जब भी मैं सिखाता हूं तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ वैदिक प्लस एडवांस, क्योंकि वैदिक से एक्यूरेसी बहुत ज्यादा आती है, ये ध्यान रखना। तो कहीं लोग वैदिक छोड़कर इसमें आ रहे हैं क्योंकि इसका नाम हो गया है, हाँ इसका नाम हो गया है, अपन भी करते हैं इसको, प्रैक्टिस भी करते हैं इसको, एग्जीक्यूशन में भी लेके आते हैं, सिखाते भी हैं, पर जो वैदिक सिस्टम है जब तुम्हारे को इससे रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे तो उससे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। मैंने बहुत सारे वास्तु बंधुओं को सुना है जो कहते हैं कि अगर सिम्टम मैच ना करे तो चक्र को 5 डिग्री आगे पीछे करके सिम्टम मैच करा लो, उसका रीजन यही है कि वैदिक में बिल्कुल एक्यूरेट आता है। जरा सोचो तो, तुम गोल घर में रहते हो हा? पर ये काम करता है, 16 दिशाओं वाला भी काम करता है अच्छे से, पर जो बहुत ही उत्तम रिजल्ट आते हैं वो वैदिक से आते हैं, मेरी इस बात को मानो, क्योंकि जमीन का जो मामला है वो जमीन में ही ठीक होगा, जमीन के ऊपर तुमने टेप लगा दी हो सकता है तुम्हें टेम्पररी रिलीफ मिल जाए, लेकिन जो परमानेंट उपचार है वो जमीन के अंदर ही होता है, इस बात का ध्यान। हाँ शिल्प शास्त्र है, शिल्प शास्त्र यानी कि जो तुम मूर्तियां रखते हो फोटो लगाते हो उसका इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल शिल्प शास्त्र है ना। आगे चलते हैं अपन, वास्तु चक्र सबके पास आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास वास्तु चक्र नहीं आया हो व्हाट्सएप पे, वो इस नंबर पे कृपा करके अपना नाम लिखें और वास्तु चक्र के लिए डिमांड करें, तुरंत से मिलेगा आपको, सबके पास आ गया क्योंकि तो 3-4 वाली हो चुका है ये। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास वास्तु चक्र नहीं आया हो वो मैसेज कर दें, हाँ चक्र को पढ़ना कैसे है ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के लिए काफी कंफ्यूजन्स हो जाती हैं बच्चा लोगों को, बहुत ही सरल है, सारा का सारा शास्त्र बहुत सरल है। अभी तुम्हें 10 एक मिनट में इसके बाद तुम सब लोग खुद से ही चक्र पे पढ़ोगे, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जब मैं समझाता हूं तो अपनी आंख को चक्र के ऊपर रखना,
मेरी तरफ नहीं देखना, मेरी तरफ नहीं देखना, सिर्फ सुनना। अभिश्रुति यानी कि सुनना, सुनते की विधा, ठीक है। तो अपनी आंख को अपने टूल के ऊपर, चक्र इज अ टूल, राइट। तो अपनी आंख को अपने टूल के ऊपर रखना और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे उस आंख को घुमाना, वो जूम कर लेना अगर उसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिखता हो, जैसा भी सुविधा अनुसार कर लेना, ठीक है। करो, सबके पास आ गया है कोई ऐसा व्यक्ति, ये कौन है? महेश कुमार सिंह जी, हाथ हैंड रेस किया है इन्होंने, शायद इनके पास अभी चक्र आया नहीं। क्या सबके पास आ गया? वो थम्स अप करो तो अच्छा लगता है देखने, वो बटन दबा के थम्स अप, ऐसा लगता है सबको आ गया है, सबके पास आ गया है, आ गया चक्र, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अभी भी काफी सारे लोग हैं जो ना वीडियो पर हैं और ना उनका कोई थम्स अप है, ना कोका कोला है, कुछ भी नहीं, ठीक है। चक्र के ऊपर ये रिम्पी नरूला जी, और ये क्या नाम है, संदीप, संदीप जी के पास चक्र नहीं गया है, रिम्पी जी के पास नहीं गया है, महेश जी, संदीप, रिम्पी और महेश, कृपया करके वो जो नंबर दिया था उसके ऊपर मैसेज करें अपना नाम, आपके पास चक्र आ जाएगा। एक दो मिनट का ब्रेक लेना चाहते हो? कोई कहता है नहीं, कोई कहता है हाँ। हाँ, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट बाद शुरू करते हैं सेशन, आगे सिखाता हूं, अभी बहुत कुछ है तुम्हें सिखाने के लिए और रेमेडी कितनी आसान है ये भी बताऊं, कुछ मुश्किल नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। मेरे पास किसी का फोन आया, बोले सर हम 55 ईयर्स के हैं, क्या सीख सकते हैं? अरे सीखने की कोई उम्र होती है? कभी सीखो, हा? रंजन कुमार सिंह जी, कृपया करके व्हाट्सएप करिए, देखो कुछ तो अभी भी आ रहे हैं, धीरे धीरे लेट आ रहे हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड विल कंटिन्यू, तब तक सबके पास ये आ जाएगा चक्र, ठीक है। तो मैं लिवरेज दे देता हूँ, कॉफी बना लो अपने लिए, कॉफी बना के रख लो, चाय कॉफी तब तक, ठीक है।
शुरू करें सेशन। तैयार हैं सर? आ जाओ वीडियो पे अगर तैयार हो तो। हाँ, तैयारी पक्की होनी चाहिए। कोई भी कार्य करो, चाहे अपने वर्क जो भी तुम्हारा कार्य क्षेत्र है, साइंटिस्ट हो, मैथमेटिशियन हो, टीचर हो, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। कई लोग बिना तैयारी के जाते हैं, है ना, वहां गड़बड़ होता है। क्लाइंट के यहाँ भी जाओ तो तैयारी अच्छी करके। आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कईयों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। ढूंढ रहा हूँ किसी एक का मैसेज, बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही मन भावुक मैसेज भेजा है। कौन है सज्जन? कहीं दिख तो रहा नहीं नाम आपका, मैसेज तो भेजा है। ठीक है, जिसने भी भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्रेटिट्यूड की भावना जैसे मैं कहता हूं कि हमेशा होनी चाहिए हर व्यक्ति के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी होनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों के लिए भी होनी चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, और वो दिखती है। थैंक यू। किसी ने लिखा है सर बहुत सुंदर हैं आप, और वाणी उससे भी सुंदर है। तो मैं ऐसा समझता हूँ, सुंदरता परमात्मा की देन है और वाणी गुरुदेव की। नहीं तो सिविल एविएशन ऑफिसर जिसका काम ही सिक्योरिटी मेंटेनेंस हो एयरपोर्ट की, उसकी वाणी सख्त होती है ना। पर गुरुदेव की इतनी कृपा हुई है, इतनी ब्लेसिंग्स हुई है उनकी, कि वाणी वाकई ही लोग भी ऐसा कहते हैं और खुद को भी लगता है कि हाँ वाणी में चेंज हुआ है, बड़ा गुरुदेव ने कृपा करी है। शुरू करते हैं आगे की स्लाइड। हाँ जी, आज अब सभी लोग अपना अपना, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग चक्र पर अपनी नजर को रखेंगे, सब लोग वास्तु चक्र पर अपनी नजर को रखेंगे, और जैसा मैं आपको कहूंगा वैसा आप देखते जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग बहुत लेट लेट आते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि यहां पर ए लिखा है, ए। ये स्लाइड आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, स्लाइड सब लोगों को मिल जाएगी, आप ले सकते हैं स्लाइड को। जहां पे ए लिखा है वहां लिखा है 32 द्वार, यानी कि एंट्रीज। तो ये 32 द्वार क्या है? ये N1 से N8, यहां देखो कर्सर की तरफ देखो, अभी N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7। अब अपने चक्र पे प्रैक्टिस करो इसको देखने। ये अंदर की जो इंटरनल पेरिफेरी है, ये 32 द्वारों की है, N1 से N8, E1 से E8, S1 से S8 और W1 से W8 की जो ये पेरिफेरी है, ये 32 द्वारों की, ये द्वार है। इनकी रेलेवेंस फिर कभी बताऊंगा, अभी दिशाओं के ऊपर क्योंकि चर्चा कर रहे हैं पहले, तो मूलतः दिशाओं पे आ जाते हैं। तो 16 दिशाएं, दिशाएं कहाँ देखें? ये देखिए नॉर्थ लिखा है, दिख रहा है हा? जहां पे वन वर्ल्ड वास्तु लिखा है उसके नीचे देखिए नॉर्थ लिखा है। अपनी शीट पर भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी, जैसे भी आपको उचित लगे। और उसके ऊपर एक वेव बनी हुई है, वेव वेव दिख रही है, ये वेव बनी हुई है साइड पे, ये वेव वेवी हुआ हुआ है। अब नॉर्थ के नीचे देखेंगे मनी एंड अपॉर्चुनिटी लिखा है, सबको दिख रहा है, वेरी नाइस। मनी एंड अपॉर्चुनिटी के पीछे जो शेडिंग हो रखी है वो ब्लू कलर से हो रखी है। तो जहां जहां पर भी ये ब्लू शेडिंग हो रखी है जिन जिन दिशाओं के नीचे, इसका मतलब ये है कि वहां पे जल तत्व प्रोमिनेंट है, जल तत्व प्रोमिनेंट है। कहीं लोग ऐसा बोलते हैं ये जल तत्व की दिशा है, जरूरी नहीं है सभी के नॉर्थ में जल हो, है ना। ये 8 पहर होते हैं, 8 दिशाएं हैं, और सूर्य देव की कृपा से इन पहरों को, जब सूर्य की मोमेंट होती है उससे इनका रिलेशन है। जैसा मैं तुमको बताऊं तो ईस्ट की जो दिशा है उसमें चक्र में देखें तो लिखा है कनेक्शन, है ना,
तो जब सूर्य उदय होता है तो अपन मॉर्निंग में क्या करते हैं, कोई टेनिस खेलने जाता है, कोई जिम जाता है, कोई वॉक के लिए जाता है, कोई रनिंग के लिए जाता है ना, अलग अलग अनुभव लेने जाते हैं, कोई योगा के लिए जाता है, कोई मेडिटेशन के लिए जाता है ना। तो सूर्यदेव जैसे ही उदय होते हैं तो ईस्ट यानी कि कनेक्शन स्टेब्लिश करने व्यक्ति उठ जाता है। सबसे पहला कनेक्शन उसका किससे होता है जब उठता है, तो खुद से होता है, क्योंकि शीशे में जाकर, बाथरूम में जाकर जब पानी अपने मुंह पे मारते हो तो सबसे पहले खुद को देखते हो, ब्रश करते हुए भी खुद को ही देखते हैं, है ना। तो सबसे पहला कनेक्शन तुम्हारा तुमसे। अजय अग्रवाल, लेट के पढ़ रहे हो क्यों? सबसे पहला कनेक्शन तुम्हारा तुमसे, हाँ, उसके बाद संसार से, तैयार होके बाहर टेनिस वगैरह खेलने गए। तो जब सूर्य उदय हुआ और जैसे ही सूर्य देव आगे मूव करते हैं साउथ की तरफ, तो जब ईस्ट की तरफ होते हैं तो बहुत ही शीतल लहर होती है, हवा बहुत अच्छी चल रही होती है, सुबह सुबह अनुभव किया है जो लोग जल्दी उठते हैं, बहुत अच्छी शीतल वायु होती है, बड़ा मजा आता है वॉक करने में, है ना। तो जैसे ही सूर्यदेव गर्मी यानी कि 11 12 1 बजे की तरफ साउथ साउथ ईस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं, ये दूसरा पहर हुआ। पहले पहर में सूर्योदय होता है, दूसरे पहर में उसकी मूवमेंट साउथ ईस्ट की तरफ हो जाती है। तो सूर्य इस प्रकार से ये पूरा एक क्रम है ना। और साउथ ईस्ट को अग्नि कोण क्यों कहा गया, क्योंकि वहां पर जब सूर्य उदय 12 1 बजे के करीब साउथ ईस्ट में होते हैं तो प्रचंड होते हैं, फुल गर्मी होती है, तो धरती उस दिशा में तप रही होती है। तो ये थ्योरी सारी की सारी ऐसे है, ऐसा नहीं है कि वहां अग्नि ही अग्नि है। साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट में वायु भी है, साउथ ईस्ट में कहीं के जल भी है ना, कहीं पहाड़ भी है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तुम्हें पता चलता है जब तुम वेदिक पढ़ते हो, है ना। तो ये कहे ये जल की दिशा है, जल प्रोमिनेंट है, क्योंकि जब आठवें पहर, सातवें और आठवें पहर में ऐसे पूरा क्रम घूमता है, तो जब सातवें और आठवें पहर होता है तो उस टाइम सूर्यदेव डाउन होते हैं, रात्रि का समय होता है, 2 3 बजे का समय होता है। फिर वो 2 3 बजे से लेके जो 5 बजे तक का पीरियड है उसके अंदर वो पहर चेंज होते हैं, तो वहां ठंडक होती है रात। तो क्या कहा, वो जल की दिशा है, ये ऐसे बना है सारा सिस्टम। तो ये समझना बहुत जरूरी है, जरूरी नहीं है ऐसे हर दिशा में ही वायु भी है, पृथ्वी भी है, पृथ्वी तो हर जगह ही है ना। तो ये इससे रिलेशन है इस चीज का, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपका जी जल ही यही है, नॉर्थ की दिशा है, जल ही, जल प्रोमिनेंट है, कहने का मतलब ये है वो ठंडा है। अब इसका अपन अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो मनुष्य को ये कहा गया कि उसका जो मस्तिष्क है वो कूल रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, उसमें गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहा, वास्तु पुरुष का हेड है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि सबसे ठंडा सुबह 4 बजे का समय वहीं होता है, उस पहर में लगता है। क्या समझते हुए आई मेरी बात सबको? ये बड़ा सिंपल है, इसका बहुत डिटेलिंग है इसके ऊपर, तो कभी हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये क्यों है नॉर्थ में पानी और साउथ ईस्ट में अग्नि, ये मैंने आपको बताना था। इसका 8 पहरों से, क्योंकि मेन अष्ट दिशाएं हैं, 16 उसकी इलेबोरेटेड वर्जन है, उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे हर एक दिशा का गुणधर्म है, हर एक दिशा का गुणधर्म यहाँ लिखा हुआ है। नॉर्थ के नीचे मनी अपॉर्चुनिटी लिखा है, उसके आगे जाएंगे एनएनई, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। अब हेल्थ एंड इम्यूनिटी क्यों लिखा है, अगर यहां देखोगे तो यहाँ भुजंग लिखा हुआ है, अदिति लिखा हुआ है, जो भुजंग है उनको डॉक्टर कहा गया, देवताओं का, है ना। धन्वंतरी जी की फोटो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो देवता फील्ड है, जो एनर्जी फील्ड है, वो इम्यून करती है, वो हील करती है, इसलिए उस दिशा को कहा गया कि ये दिशा इम्यूनिटी की है, हेल्थ की है। जब भी किसी के घर में कोई हेल्थ रिलेटेड पीड़ा होती है तो तुरंत से जाके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को पकड़ के देखते हैं कि कहीं वहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी। 100 में से 99.999% वहां गड़बड़ होती है, एनएनई और एनी में, ठीक है।
तो ये कुछ एक इसको प्रैक्टिस करने से आएगा। अभी के लिए समझते हैं दिशाओं को, चक्र को ही समझते हैं। फिर अपन आगे जाएंगे तो ईस्ट में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्योंकि क्या कहा, वास्तु पुरुष का हेड है यहाँ, सर इस तरफ होता है वास्तु पुरुष का। वास्तु पुरुष आंधे मुंह लेटे हुए हैं और उनका सर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है और पैर साउथ वेस्ट की तरफ। उसके आगे अगर आप दिशा देखेंगे तो यहाँ ENE लिखा है, फन एंड रिक्रिएशन की दिशा है। आगे ईस्ट लिखा है, ईस्ट लिखा है, ईस्ट में क्या लिखा है, कनेक्शन सोशल एट्रीब्यूट हैं इसके। तो व्यक्ति को सोशली जब पीड़ा होती है तो ईस्ट की दिशा में पीड़ा होती है ना। क्या चक्र पढ़ना आ रहा है, समझने में आ रहा है, आंख देख पा रही है चीजों को? हाँ, प्रैक्टिस से और अच्छे से देख पाएंगे। जो ऊपर लिखा है वो दिशा है, उस दिशा के नीचे उस दिशा का गुणधर्म लिखा है स्लाइड में, जो यहाँ आउटर पैराफेरी में लिखा है ये दिशाएं हैं। हाँ, ये सारी दिशाएं हैं, 16 दिशाएं यहाँ लिखी, इसके नीचे इनके गुणधर्म लिखे हैं, ठीक है। उसके गुणधर्म जहां लिखे हैं वहां कोई शेडिंग हो रखी है। अब यहाँ हरे रंग की शेडिंग हो रखी है तो ग्रीन रिप्रेजेंट करता है वनस्पति को, यानी कि जहां जहां भी ग्रीन कलर हुआ हुआ है वहां पर एयर है, एयर डोमिनेंस है। फिर उसके आगे अगर अपन यहाँ चले जाते हैं साउथ ईस्ट की तरफ, तो साउथ ईस्ट में क्या कहा, लिक्विडिटी एंड फायर। अब एक बात समझने की है, ये वो चूल्हे वाली फायर नहीं है, ऐसा वेदिक विधाओं के हिसाब से ये ऑस्पिशियस अग्नि है, ये वो अग्नि है जिसके चारों तरफ फेरे लिए जाते हैं, जिसे शुभ अग्नि कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के घर में कुछ भी शुभ नहीं हो रहा, ऑस्पिशियस मोमेंट्स नहीं आ रहे, जैसे शादी वादी नहीं हो रही बच्चों की, या व्यापार में बार बार फेल हो रहा है, कुछ भी ऐसा ऑस्पिशियस नहीं हो रहा लाइफ में, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जब भी पीड़ा होती है, तो भी देखा जाता है कि कहीं साउथ ईस्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लोगों ने साउथ ईस्ट को क्या कहा, रिकवरी की दिशा, साउथ ईस्ट पैसे की दिशा। अग्नि कहा, ठीक है किचन वहां होती है, अच्छी बात है, बना सकते हो किचन, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि वहां जो अग्नि है वो शुभ अग्नि है, ऑस्पिशियस फायर बोला जाता है। तो जीवन में किसी भी व्यक्ति के शुभ दिन आने बहुत जरूरी है, तभी उसका जीवन आह्लादित फील होता है उसको, अदरवाइज वो स्ट्रेस में रहेगा, है ना। उसको ऐसा लगेगा कि पता नहीं जीवन बोर हो गया है, बस सब कुछ ऐसा रॉन्ग रॉन्ग ही हो रहा है। इसके ऊपर भी कभी सेशन करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि ये रॉन्ग और राइट का क्या मामला है, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपने पास लॉकडाउन के ड्यूरेशन में खूब सारे बच्चे पढ़ के गए, और उनमें से गिनती के मुझे लगता है कि करीब कोई 100-125 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको डिप्रेशन था, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक, दे ऑल आर इन मस्ती, इंजॉइंग देयर लाइफ, मौज ले रहे हैं, है ना। मेरे साथ जुड़े का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई उनको घुट्टी पिला दी है, मेरे साथ जुड़े का मतलब ये है कि उन्होंने मेरे सेशंस मेरे साथ अटेंड किए। हम सेशन शुरू करते थे, ये बच्चा लोग पुराने बैठे हैं कुछ, शाम को 7-8 बजे सेशन शुरू करते थे, सुबह 5 बजे तक नॉन स्टॉप सेशन चलते थे, नॉन स्टॉप, बस खाना खाने का भी ब्रेक लेते थे, चाय वाय बीच में ही आती रहती लॉकडाउन ड्यूरेशन में, खूब बड़े बड़े सेशन चले हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है जीवन में, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम कहो कि इम्पॉसिबल हो, करने वाले के ऊपर है कि हाउ डिटरमिन द पर्सन इज। अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो तुम कर सकते हो। और किसी भी व्यक्ति का घर का सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट क्लियर करने से भी उसकी जो चेकलिस्ट होती है ना कि मुझे ये पीड़ा है, 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 वो 50% हो जाती है। आगे बताऊंगा, ठीक है। हमने समझा कि कैसे दिशाएं और उनके गुणधर्म यहाँ लिखे हैं, एक एक का गुणधर्म लिखा है। जैसे नॉर्थ का लिखा है मनी एंड अपॉर्चुनिटी, जो किसी व्यक्ति को पैसे से या अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई पीड़ा हो रही होती है तो नॉर्थ की दिशा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हेल्थ का मैंने आप लोगों को बता दिया, ENE है। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है, अभी मैं बोलता रहता हूँ, आप चक्र पे अपनी नजर घुमाते रहो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है, क्लैरिटी। और मस्तिष्क में जब व्यक्ति के कुछ झन्ना रहा होता है, वो ये कहता है सुइयां चुभ रही हैं, बहुत पीड़ा हो रही है,
समझ में नहीं आता, कुछ क्लाउडीनेस है, रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है। उसके आगे की जो दिशा है वो ईएनई की दिशा है, यानी कि फन रिक्रिएशन की। जब कोई व्यक्ति ड्रेन्ड फील करता है अपने जीवन में, अपने व्यापार से आया और घर वालों के साथ समय बिताने के लिए उसको कहीं कहा जाए कि चलो आज डिनर पे चलते हैं, और वो कहता है मैं बहुत थक गया हूं, मेरा मन नहीं है ना, तो इसका मतलब ईएनई में पीड़ा है। उसकी लाइफ में कोई रिजनरेशन नहीं है, कोई फन नहीं है, ईएनई में पीड़ा है उसके। जब व्यक्ति अपने परिवार के साथ किसी ऑस्पिशियस मोमेंट के लिए जा रहा हो और घर में कोई कला क्लेश हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई मतभेद हो जाए, ईएनई में प्रॉब्लम है। इसके बाद जैसे ही ईस्ट की तरफ जाते हैं, वहां पे अगर कभी पीड़ा हो किसी को ईस्ट की दिशा में, तो व्यक्ति की उसके नेबर से नहीं बनती, कई बारी फादर और बेटे के बीच में भी नहीं बनती अगर ईस्ट में पीड़ा हो। उसके आगे आए ईएससी की दिशा है, ईएससी की दिशा मंथन की है। अब बहुत सारे वास्तु वालों ने कहा मंथन की दिशा में टॉयलेट अच्छा होता है, सबने सुना ही होगा मंथन की दिशा में टॉयलेट अच्छा होता है, ईएससी में टॉयलेट अच्छा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर व्यापारी आदमी है और उसके घर में ईएससी में टॉयलेट है, तो वो ऐसे डिसीजन लेगा और वो अपने व्यापार में नुकसान खाएगा, क्योंकि उसकी चर्निंग की जो एबिलिटी है वो तो डिस्पोज हो रही है। और ये बहुत सारी केस स्टडीज में मैंने देखा है कि ईएससी में टॉयलेट है और फिर व्यापार में उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना मंथन किए वो डिसीजन लेता है। व्यापारी की बात कर रहा हूं, मैं सर्विस सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं व्यापारी की बात कर रहा हूं। सर्विस वाले के लिए तो अच्छा है, जो बॉस ने कहा वो किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना। व्यापारी आदमी में के घर पे अगर ईएससी में टॉयलेट है और उसका सिम्टम मैच हो रहा है, पूरे शास्त्र का एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पे कोई पीड़ा नहीं हो रही है तो उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तुमने कहीं पढ़ लिया हो नॉर्थ ईस्ट में वहां पे अलमारी पड़े होने से पीड़ा हो रही है, कहीं किताब में लिखा। लेकिन अगर उसको कोई पीड़ा नहीं है, उपचार नहीं करना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों भाई बहन हैं, इन दोनों का बड़ा ही हैंड टू हैंड रिलेशन है। कई बारी WC साउथ ईस्ट का खूब सारे पैसे देता है, मेरे घर में साउथ ईस्ट में है, एक भी नहीं दो दो हैं। ये तो आया हुआ है परवीन मेरे घर, ये सिमी, सब लोग आए हुए हैं। तो एस्ट्रो वास्तु का भी बहुत बड़ा रोल है, ये नहीं कि साउथ ईस्ट का टॉयलेट देखा तो बंद करा दिया जी, पैसे खत्म हो जाएंगे। अगर नहीं खत्म हो रहे तो बंद कराने की जरूरत नहीं है। अब तुम न्यूमरो वाले आ जाओ, न्यूमरो वाले भैया सब लोग कहते हो 8 नंबर जो है घर पीड़ा देता है, नहीं लेना चाहिए। मेरे घर का 404 नंबर है 8, तो ये कुछ कुछ मिथ है, इनको थोड़ा सा दूर करेंगे अपना आगे कभी सेशन करके, जैसे भी होगा, है ना। जरूरी नहीं है वही लकीर के फकीर बनने की, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं उनको भी देखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ईस्ट के बाद हमने ईएससी की बात करी, ईएससी व्यापारी आदमी के घर पे ईएससी का टॉयलेट पीड़ा देगा, वो सोचे समझे डिसीजन लेगा और सोचे समझे डिसीजन उसके रॉन्ग होंगे, मंथन बहुत जरूरी है व्यापार में। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, हाँ ऐसा होता है कि पैसे डिस्पोज हो जाए, खुशियां डिस्पोज हो जाए, रिकवरी रुक जाए पैसों की, ऐसा होता है, पर उपचार तभी करना जब ऐसा हो रहा हो, ये मेरी बात को बस आप ध्यान रखिएगा। साउथ साउथ ईस्ट की दिशा है पावर एंड कॉन्फिडेंस की दिशा है। जब पावर एंड कॉन्फिडेंस किसी व्यक्ति का वीक हो, जैसे मैंने अभी आप लोगों से वो जो ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4, उसमें कॉन्फिडेंस का ऑप्शन है, तो जिस जिसने कॉन्फिडेंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, यानी कि मैसेज भेजा, तो वो अपने घर में साउथ साउथ ईस्ट देख लेना कैसा है, वहां पे कोई ना कोई पीड़ा हो रही होगी, तो पावर एंड कॉन्फिडेंस से रिलेटेड पीड़ाएं वही होंगी। साउथ की जो दिशा है वो नेम एंड फेम की है, जब व्यक्ति का मान सम्मान घट रहा हो समाज में भी, हाँ समाज में घट रहा है तो ईस्ट के साथ देखते हैं साउथ, क्या मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि ईस्ट क्या है, समाज है, सोशल है, और साउथ क्या है, साउथ हमारा मान सम्मान है, नेम और फेम है ना, तो ईस्ट के साथ इसको देखा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, साउथ साउथ वेस्ट की जो दिशा है ये विसर्जन की दिशा है। यहाँ पे टॉयलेट उचित कहा गया कि बहुत अच्छा होता है यहाँ टॉयलेट। जब किसी के घर में
बहुत सारे खर्चे ही खर्चे हो रहे हो, बेवजह अप्लायंसेस खराब हो रहे हो, नुकसान हो रहे हो, तो अपन इस चीज को देखते हैं कि कहीं वो व्यक्ति साउथ साउथ वेस्ट में सो तो नहीं रहा, या उसकी सिटिंग वहां तो नहीं है, क्योंकि विसर्जन की दिशा है ना। अगर किसी के घर में एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है तो हम साउथ साउथ वेस्ट की दिशा में जिस चीज की एडिक्शन होती है, एडिक्शन जरूरी नहीं अल्कोहल की ही हो, कई लोगों को एल्प्रेक्स की होती है, बिना गोली खाए सोते नहीं, नींद नहीं आती, है ना, तो वो भी मेडिसिन की भी एडिक्शन होती है। तो आप वो मेडिसिन अगर वहां रखेंगे तो उस मेडिसिन से अगर उनको उनको छुटकारा चाहिए तो छुटकारा मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। साउथ वेस्ट जैसा मैंने कहा वो पैर हैं वास्तु पुरुष के, और अपनी जमीन मजबूत होनी चाहिए। साउथ वेस्ट की दिशा में अगर कहीं दोष होगा, साउथ वेस्ट की दिशा में आप देख रहे हैं थोड़ा येलोइश कलर आ रहा है साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में तो रेड देख लिया आप लोगों ने, रिलेट कर लिया, फायर है। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ की जो दिशा है, मैं स्क्रीन पे लगाऊं क्या चक्र, ये देखेंगे तो रेड आ रहा है, रेड शेडिंग हो रही है इन दिशाओं में। तो रेड मतलब फायर, ग्रीन मतलब एयर, ब्लू मतलब वाटर, येलो मतलब अर्थ, ठीक है। तो SSW यानी कि साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट अर्थ की दिशा है। इसके साउथ वेस्ट में जब भी किसी व्यक्ति के पीड़ा होती है तो उसके स्किल एनहेंस नहीं होते, वो अपग्रेड नहीं करता अपने आप को, वो स्थिर हो जाता है, उसको ऐसा लगता है मुझे सब कुछ आता है। मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं हम सीखे आए हैं, बहुत अच्छी बात है सीखे आए हो, सीखना निरंतर का की विधा है, हमेशा सीखते रहना चाहिए। और ये जो प्री प्रिपरेशन ग्रुप होते हैं ना, ये प्री प्रिपरेशन ग्रुप हमेशा बनते रहते हैं, हमेशा ही रहता है, तुम जिस भी ग्रुप में हो वो प्री प्रिपरेशन है। स्टडी ग्रुप और प्री प्रिपरेशन ग्रुप में कोई फर्क मुझे नहीं लगता, ये ध्यान रखना। मैं तो आज भी अपने आप को ये कहता हूं कि मैं प्री प्रिपरेशन मोड में हूं, आज भी सीख रहा हूं, इसका ध्यान रखना। कभी भी कंटेंट फील नहीं होना कि बस अब सब आ गया है, जब ऐसा लगे कि अब सब आ गया है, समझ लेना गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है, इसको वापस से लेके आना है अपने को, है ना। उसके बाद साउथ वेस्ट में क्या पीड़ा आती है, जब डिस्टर्ब होता है, साउथ वेस्ट में जब डिस्टर्ब होता है तो रिलेशनशिप से रिलेटेड पीड़ा आती है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है वो रिलेशनशिप, जरूरी नहीं है जीजे साले का ही हो, सबको लग रहा होगा हस्बैंड वाइफ बोलेंगे, है ना। उसके आगे चले जाओ तो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा है, वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में व्हाइट कलर हुआ हुआ है, यानी कि ये स्पेस की दिशा है, पढ़ाई की दिशा इसको कहते हैं, सॉल्यूशन फाइंडिंग दिशा ये होती है, यानी कि नो हाउ की दिशा बोला जाता है। और साथ में इस दिशा को ये भी कहा जाता है कि ये सेविंग्स की दिशा है। नॉर्थ में जो पैसा है वो बड़ा पैसा है, जिसको तुम चाहते हो वो नॉर्थ का पैसा है। साउथ ईस्ट का जो पैसा है जिसमें कैश रेट लिक्विडिटी लिखा है वो आई चलाई वाला पैसा है ना। और जो वेस्ट साउथ वेस्ट का अंदर जो पैसा है वो बचत है। बचत क्या होती है, जीवन में जो टर्नओवर होती है, सारे खर्चे निकाल के जो तुम्हारे हाथ में आता है, सब खर्चे निकाल के, वो तुम्हारी बचत। टर्नओवर इज नॉट बचत, है ना। जो गेन्स होते हैं वो अल्टीमेट गेन्स वही है, इसलिए वेस्ट साउथ वेस्ट के आगे देखोगे तो गेन्स की दिशा है, प्रॉफिट की दिशा है वेस्ट की, है ना। देख रहे हो चक्र में या स्लाइड लगाऊं, कौन कौन चाहता है कि मैं स्लाइड लगा के समझाऊं, नहीं ऐसे चलेगा ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे से। तो वेस्ट की जो दिशा है वो गेन्स की है, किसी भी, ये सब लोग वीडियो एक एक करके बंद कर रहे हैं, मैं भी बंद करके जाऊंगा, वीडियो ऑन करो यार, पढ़ने आइए। देखो कौन है ये, ब्रिज मोहन जी, सोते पढ़ते हो, सो सो के पढ़ रहे हो यार, उठ जाओ, मैं बैठा हूं ना सीधी करके कमर अपनी, स्पाइन सीधी रखो, वैदिक विद्या लेने आए हो, यूट्यूब पे क्यों नहीं देख लेते सेशन, हाँ ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे तो एक दिशा है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट की दिशा है डिप्रेशन डिटॉक्सिफिकेशन। जब भी किसी को घर में डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, उसको ऐसा लगता हो कि वो एक्स्ट्रोवर्ड की जगह इंट्रोवर्ड हो गया है, यानी कि बात कम करने लगा है, डिप्रेशन मतलब जरूरी नहीं है घोषित डिप्रेशन हो उसको, डिप्रेशन का मतलब
उसके सिम्टम अलग अलग प्रकार के डिप्रेशन से है ना। तो अगर व्यक्ति चुप चुप रहता है, ज्यादा बात नहीं करता, अपनी बात खुल के बता नहीं पाता, अपने अंदर ही उन इमोशंस की ग्रंथियां बना लेता है, तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं वो डिप्रेसिव मोड में जा चुका है। क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है, चाहे किसी मित्र से बोलो, चाहे अपने फैमिली मेंबर से बोलो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। अगर तुम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे तो जो इमोशंस की ग्रंथियां हैं, जो थॉट प्रोसेस हैं, उनका एक रोल बन जाएगा, वो एक ग्रंथि बन जाएगी, तुम्हारे जो 7 चक्रास हैं उनके बीच में, उनके फ्लो में अड़चन आती है। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए एक्सप्रेस स्पीक। तुम्हारा कोई चक्रा खराब हो, थ्रॉट चक्रा मत करना, ठीक है? हाँ, थ्रॉट चक्रा नहीं खराब करना अपना। एक्सप्रेस योर सेल्फ, द मोर यू एक्सप्रेस द मोर यू विल एंजॉय योर लाइफ, है ना। अंदर मत दबाओ किसी भी चीज को। गुस्सा भी आ रहा है तो उसको एक करने का तरीका है, वो भी एक क्लास कराता हूँ, उसमें बता दूंगा फिर गुस्सा एक्सप्रेसिव वे में कैसे करना है, ये आ जाता है, हो जाता है। अपने भी तो परिवार में रहते हैं, ये थोड़ी कोई सन्यासी है, ठीक है? तो उसके बाद जब किसी को डिप्रेशन होता है तो अपन ये चेक करते हैं कि कहीं इसका बेडरूम तो नहीं लगा हुआ WNW में। उसके आगे की जो दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट की दिशा। जब किसी व्यक्ति को बैंक से पीड़ा हो रही हो, यानी कि बैंक की पेमेंट्स उसकी डिफॉल्ट होती हो, तो हम क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट की दिशा को संतुलित करते हैं। अच्छा, एक तंत्र बताता हूँ, बहुत कम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कहीं नहीं सुना, ना कोई ऐसा मैंने किसी से जिक्र करते सुना, पर मैं तुम्हारे को अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। अगर नॉर्थ वेस्ट में पीड़ा आ रही है और तुम्हें नॉर्थ वेस्ट में कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा असंतुलित, सब कुछ बराबर है, संतुलित और असंतुलित का क्या है ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो क्या देखना, उसके सामने की दिशा देखना क्या है। अब नॉर्थ वेस्ट से एक लाइन ब्रह्म स्थान पर लेकर जाओ, ऐसे ऐसे हाथ से ही ले जाओ, और देखो उसके बिल्कुल सामने डायगनल कौन सी दिशा आ रही है, साउथ ईस्ट की दिशा आ रही है, दिख रही है? साउथ ईस्ट क्या कहा, पैसा। अगर अब रिलेट करने की कोशिश करो, अगर नॉर्थ ईस्ट सहयोग की दिशा है और साउथ ईस्ट पैसे की दिशा है, तो जिससे अगर तुमने पैसा लेना है उसका सहयोग नहीं है तो तुम्हारा पैसा फंस जाएगा। क्या समझ में आया? ये ऐसा नहीं, ये सारे 16 के 16 भाई बहन एक दूसरे के ऐसे राउंड सर्कल में हाथ पकड़ के खड़े हैं, ये आमने सामने भी इंपैक्ट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट से डायगनल लेके जाओ, साउथ वेस्ट आ गया, नॉर्थ ईस्ट से लेके गए साउथ वेस्ट आ गया। अगर किसी व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट खराब है, यानी कि उसका जो मानसिक संतुलन है वो कहीं पीड़ित है, तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट उसकी स्टेबिलिटी और उसके रिश्तों पे आएगा। क्या समझ में आया? अब इसको वाइसी वर्षा कर लो, अगर तुम्हारे रिलेशंस खराब हैं तो तुम पीस ऑफ माइंड में रह ही नहीं सकोगे। क्लियर हुआ कैसे इनका इंपैक्ट है आमने सामने? ESC और WNW का देख लो, ESC और WNW का देख लो। अगर तुम बहुत ज्यादा सोचते रहोगे, ओवरथिंक करोगे, तो क्या होगा, ग्रंथि बन जाएगी इमोशन की, अपने अंदर पाइलअप करते रहोगे, डिप्रेसिव मोड में जाने के चांसेस है। क्या समझ में आया मेरी बात तुमको, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आमने सामने की दिशाएं भी इंपैक्ट करती। अब ईस्ट और वेस्ट को देख लो। अब अगर जैसे ईस्ट है, ईस्ट की दिशा हमने क्या कहा, सोशल एंड एसोसिएशन। अगर व्यापारी आदमी मेल मिलाप ही नहीं करेगा लोगों से, तो उसको गेन्स हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। और अगर उसे गेन्स नहीं हो रहे तो उसका जो सोशल सर्कल है वो लिमिटाइज हो जाएगा। अब नॉर्थ और साउथ को देख लो। नॉर्थ किसकी है, मनी एंड अपॉर्चुनिटी की दिशा है, और साउथ नेम एंड फेम की है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या उसे नेम और फेम मिलेगा? आज के युग की मैं बात कर रहा हूं, देश काल परिस्थिति अनुसार हम बात करें। और अगर किसी व्यक्ति के नेम और फेम नहीं है तो उसको पैसा भी नहीं मिलेगा,
सेलिब्रिटीज की दिशा है साउथ की। अगर उनको नेम और फेम मिलता है तभी उनके पास आगे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, पोर्टफोलियोज आते हैं बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के, सीरियल्स आते हैं। तो ये सब मामला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसका ध्यान रखना, है ना। उसके बाद NNW की जो दिशा है वो अट्रैक्शन की दिशा है ना। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अट्रैक्शन का, ना मैं तुमको एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, इसका मैंने बड़ा अच्छा अनुभव किया है आभा मंडल से, हमारे ऑरा से, है ना। अगर हमारा ऑरा वीक होता है तो भी NNW में पीड़ा हो रही होती है, क्योंकि लोग तुमसे जुड़ते नहीं, लोग जुड़ते नहीं, आना पसंद नहीं करते, तुम्हारे पास बैठना पसंद नहीं करते, तुम्हारी बात सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम में वो फायर, वो अट्रैक्शन कम। गॉट इट? तो ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये मानसिक भी है, ये आत्मिक भी है, ये आध्यात्मिक भी है, और ये प्रोडक्ट रिलेटेड भी है। अगर किसी व्यापारी का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा हो, सीधा सीधा उसका माल ईस्ट में रखवाओ और एक उसका शोकेस लगवाओ NNW में, डिस्प्ले, माल बिकना शुरू हो जाएगा, पर बेसिक रेमेडी, बेसिक बैलेंसिंग के बाद, है ना। कई लोग मैंने देखा देवता कोर्स करके ऐसे देवता लगा रहे हैं, सीधा देवता लगा के क्या होगा, देवताओं को एक्टिवेट करने के लिए तुम देवलोक तो बनाओगे या गंध में ही कर दोगे, एनर्जी फील्ड एक्टिवेट नहीं होगी। तो जो देवलोक है वो बनाने की विधा ये है कि तुम्हारे को बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। तुम जितना मर्जी पढ़ लो, एडवांस कर लो, इंट्यूशंस कर लो, आचार्य कर लो, XYZ जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर बेसिक, अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स कमजोर हैं, तो तुम आगे जितने भी ये लेंटर डाल रहे हो ना, इनके गिरने का बहुत खतरा है। इसलिए अपनी नींव को बहुत मजबूत करके रखना। कई लोग फंडामेंट से क्लियर नहीं है अभी तक, कोई का मेटल कहीं लगा देते हैं, कहीं का मेटल कुछ बोलते हैं, तो फंडामेंट्स क्लियर होने चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को, ये बच्चा लोग जानते हैं, इनको हैदराबाद भी लेके गया हूँ, लातूर भी लेके गया हूँ, दिल्ली में, NCR में, गुड़गांव में, जहां पर भी मेरी साइट्स होती है इनको लेके जाता हूँ और इनके हाथ से वास्तु करवाता हूँ, क्लाइंट की परमिशन के साथ, जो क्लाइंट परमिशन दे देता है उसके बाद, क्योंकि ये इकट्ठे आते हैं, ये 15-20 की टोली में आते हैं ये, है ना। तो क्लाइंट को ऐसा होता है कि अभी तक तो भैया और उनकी वाइफ थे, अब ये बहुत सारा सेना आ गई है पूरी की पूरी, है ना। तो ये सब ट्रेवल करते हैं, प्रयोजन सिर्फ इतना है कि इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट, बिलीव मी। बस इस बात का ध्यान रखना, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई सिक्स सेंस, कोई ऐसा, हाँ तुम्हारा बिलीव होना चाहिए इस पूरे तंत्र। अगर तुम्हारा बिलीव सिस्टम वीक है तो तुम बस इंटीरियर डेकोरेशन के पर्पस के हो, उतना ही बहुत है ना। और वाकई ही इसको आत्मसात करना चाहते हो तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के विषय है, ठीक है। हाँ, उसके बाद नॉर्थ कर दिया था अपने ने, नॉर्थ मनी एंड अपॉर्चुनिटी का आ गया था, वेरी नाइस। ठीक है, अब आगे बताता हूँ इसमें और क्या किया जा सकता है। इसके बाद हम जो है, इसकी शेप्स देखनी हो तो नॉर्थ की शेप वेवी है, ये आगे बढ़ाता हूँ स्लाइड, यहाँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है, पंच तत्वों की, पंच महाभूत, सारा संसार इन पंच महाभूतों से बना है, त्रिगुण जो है, त्रिदोष, त्रिगुण, इनका भी सारा का सारा, जैसे अर्थ जमीन पे हम हैं और आकाश ऊपर है, और तीन गुण, तीन जो गुण है, वाटर, एयर और फायर, त्रिगुणों से सारी सृष्टि बनी है, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ये प्राकृतिक मेल है गुणों का, प्रोमिनेंस किसकी क्या है, ये अपने कोर्स के अंदर सारा, इसके अंदर विस्तार से बताया गया है। अभी के लिए यहां समझते हैं कि कैसा है। वाटर में मैंने यहाँ एक वेव बना दी है, ये शीट लेनी है, कृपया करके सपोर्ट नंबर पे कहें कि ये 5 एलिमेंट शीट चाहिए, मैसेज कर दीजिए 5 एलिमेंट शीट बस, क्योंकि इससे पहले अपना नाम वगैरह तो आप कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो अपना नाम भी डाल दीजिए, 5 एलिमेंट।
तो यहां आप देखेंगे, कर लीजिए कर लीजिए, टीना जी, जीडी, माधुरी, डॉक्टर साहब, सभी लोग, आप लोग वीडियो ऑफ करके क्यों बैठते हो? सुतेंद्र जी, दीपक जैन जी, निर्मल चुग जी, रंजन, बहुत सारे वीडियो ऑफ करके बैठे, क्या करोगे? शुरू करें? सब लोगों ने कर दिया मैसेज या अभी कर रहे हैं? कर दिया तो वो थम्स अप वाला बटन दबा दे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से कहना थम्स अप कर दे, हैंड रेस कर दे, वेरी नाइस। अभी कर रहे हैं क्या कुछ लोग? ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है पूरा का पूरा वास्तुशास्त्र। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए बहुत अच्छे से वास्तु कर सकते हैं। ये उस मूलाधार की बात करने जा रहा हूं मैं जिसके ऊपर पूरा शास्त्र टिका हुआ है। दिशाएं अपनी जगह है लेकिन तत्वों का बहुत ही ज्यादा महत्व है वास्तुशास्त्र में। शुरू करें? शरण कुमार जी, हैंड रेस किया हुआ है, अब बात करेंगे। बात स्लाइड बहुत इजी कर दी है आप लोगों के लिए। अभी मैंने आपको वास्तु चक्र में बताया कि कैसे आप लोगों को यहाँ पर दिशाएं देखनी है। वाटर की दिशा में जो है जल तत्व जहाँ पे प्रोमिनेंट है वहां ब्लू कलर हुआ हुआ है, जहाँ वायु तत्व है वहां हरा रंग है, जहाँ अग्नि तत्व है वहां पे लाल रंग है, जहाँ पृथ्वी तत्व है वहां येलो है, और जहां पर ये आकाश तत्व प्रोमिनेंट है वहां सफेद रंग किया हुआ है। अब इसको समझें, इस क्रम को समझना बहुत जरूरी है। इसको समझते में आ गया तो शास्त्र बड़ा इजी हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो मैंने वाटर में एक वेव बना रखी है। वेव अगर आप नॉर्थ में देखेंगे अपने चक्र पे तो एक वेव है, यानी कि जल तत्व की जो शेप्स हैं वो वेवी, जो भी ऑब्जेक्ट वेवी शेप में है उसको हम कहते हैं ये जल तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर कॉन्फ्लिक्ट क्या आ जाता है, पीड़ा कहाँ देता है ऑब्जेक्ट, कि जब जल तत्व का ऑब्जेक्ट लाल रंग में हो, वो कैसे? क्योंकि लाल अग्नि का है ना, तो जल और अग्नि का जब वो होता है कॉम्बो बनता है तब वो कहीं बारी पीड़ा देता है। अब ये एरो देखें, ये एरो इस क्रम में जा रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो जल से यानी कि वाटर से एयर, एयर से फायर, फायर से अर्थ, और अर्थ से स्पेस, और स्पेस से वापस से वाटर। ठीक है, ये साइकिल ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। इस साइकिल को अच्छे से आत्मसात कर लेना कि बिल्कुल इसी क्रम में ये चलेगा, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। इस क्रम को अच्छे से याद कर लीजिए। ये मैंने आप लोगों के लिए ये जो एरर है, ये जो एरो बना हुआ है इसके पास सपोर्ट लिख दिया है, और जहां पर ये वाला एरो दिखेगा आपको ये रिस्ट्रिक्शन यानी कि रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो वाटर से एयर, एयर से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से स्पेस, और स्पेस से वापस वाटर की उत्पत्ति हुई है। स्पेस को मेटल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब सेंटर में देखेंगे, सेंटर में यहां पर ये एरो वाटर से आ रहा है फायर की तरफ, फायर से जा रहा है स्पेस की तरफ, स्पेस से वापस एयर की तरफ। ये एक स्टार, इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टार बना लीजिएगा कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए तो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जल तत्व वनस्पति को सहयोग करता है उसकी उत्पत्ति में, और वनस्पति फायर को सहयोग कर रही है, तो जल अग्नि को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, यानी कि अग्नि की जो दिशाएं हैं अगर उसमें जल तत्व होगा या वाटर से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा वो इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। किसको रिस्ट्रिक्ट करेगा? इसके एट्रीब्यूट्स को। एग्जाम्पल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जल तत्व क्या है? जल तत्व जो जमीन के लेवल का नीचे पानी है वो जल तत्व है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे ही उसका लेवल अप हो जाता है वो पृथ्वी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे वाटर टैंक।
वाटर टैंक को जल तत्व नहीं कहा जाता, वाटर टैंक को अर्थ कहा जाता है क्योंकि उसमें वेट आ जाता है। तो एनीथिंग विच हैज मास, कोई भी चीज जिसमें वजन हो, जैसे कैबिनेट, ये क्रॉकरी की जो कैबिनेट हो गई अपनी, है ना, अलमारी हो गई हैवी, ये सब अर्थ एलिमेंट में आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ एलिमेंट अगर कहीं किसी ऐसी दिशा में पड़ा है तो वहां पीड़ा ही दे रहा होगा। मेरी इस बात को बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना लीजिए कि अगर किसी दिशा में पीड़ा नहीं है तो सिर्फ इतना पढ़ने भरने के बाद उस दिशा से वो अर्थ हटाने की कोशिश नहीं करना। नीम हकीम खतराए जान, ठीक है, इस बात का मेरी ध्यान रखना। बिल्कुल कली वास्तुशास्त्री नहीं बन जाना भाई, जाके थोड़ा पढ़ो, ठीक है। तो यहां देखेंगे अपन, हर एलिमेंट, हर तत्व अपने से तीसरे तत्व को डोमिनेट करता है, विरोध करता है उसका, ऐसा समझिए। यहां से देखें, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जल तत्व अग्नि को विरोध कर रहा है, वनस्पति से देखें अग्नि और फिर पृथ्वी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसको विरोध कर रहा है। ये एरो देख रहे हैं आप, और यहां फायर यानी कि अग्नि से, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, तो अग्नि से आकाश तत्व विरोध हो रहा है और आकाश से वापस एयर। अगर जल और अग्नि एक दूसरे को कॉम्प्रेस करेंगे, और अगर ये समझें कि अग्नि जल रही है तो धुआं कहाँ जाता है, ऊपर आकाश में, तो जब धुआं आकाश में जाएगा तो आकाश को डिस्टर्ब करेगा, और जब स्पेस यानी कि बिजली कड़कती है ऊपर से, खूब वर्षा या बिजली एक्सेस में हो जाए ये काम हमारा, तो क्या होता है, वनस्पति डिस्ट्रॉय। क्या रिलेट कर पा रहे हैं स्पेस और एयर का, कि अगर ऊपर से बिजली कड़की तो वनस्पति डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आकाश वनस्पति को खराब कर देता है। अब हम बात करते हैं वनस्पति की और पृथ्वी की। जैसे ही जमीन में अपन एक बीज बोते हैं तो वो अंकुरित होता है, ऊपर मिट्टी होती है, तो अर्थ को कौन क्रैक कर सकता है, वनस्पति, उसमें वो पावर है, ठीक है। और जैसे कहीं लोग अगर पहाड़ों पे गए हो, शिमला गए हो, कहीं गए हो और बारिश हो रही है, तो तुम देखोगे अगर स्लोप से पानी नीचे आ रहा है और कहीं एक गड्ढा है बीच में, तो वहां पानी रुक जाएगा, तो वो जो गड्ढा है वो पानी, वो गड्ढा क्या हुआ, वो जो उसको कंटेन कर रहा है। तो एनीथिंग विच कंटेन्स इज अर्थ, तो पानी को कौन कंटेन कर सकता है, अर्थ, इस बात का ध्यान रखना। अब इनके कलर है ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड व्हाइट, ये इनके कलर्स हैं, ये कलर्स भी ध्यान रखना। हाँ, अब अगर किसी के नॉर्थ में, नॉर्थ की जो दिशा है वहां पे येलो कलर हो रहा होगा, येलो कलर किसका है, अर्थ का, और अर्थ क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है जल तत्व का, कर रहा है। यहां देखें, नॉर्थ जल तत्व है, येलो पृथ्वी तत्व है। अगर इस किसी की वॉल पे नॉर्थ में येलो कलर होगा तो नॉर्थ मनी एंड अपॉर्चुनिटी की दिशा है, तो वो व्यक्ति खुद से कहेगा कि मेरे पैसे और अपॉर्चुनिटी रुक गई है, ये फिक्स है, और ये एक नहीं हजारों केस स्टडीज में देख चुके हैं, हजारों, ये फिक्स है। अब कहो ये कैसे चलता है, बेटा ये वैसे ही चलता है जैसे शरीर में खून बनता है, ठीक है, क्योंकि कुछ साइंटिफिक है और कुछ ना ही समझे तो अच्छा है, मिस्टिक है, ठीक है। पर लॉजिक समझ में आ गया कि तत्व एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं और तत्व एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, है ना। जब वो अपने सहयोगी तत्व के पास होगा, अब तुम्हें एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं, बड़ा सरल हो जाएगा। अच्छा, हमने ये समझा कि जल तत्व से किसकी उत्पत्ति हुई, वनस्पति की, पानी से वनस्पति की उत्पत्ति हुई, और वनस्पति में जब आग लगी, या वनस्पति में, वनस्पति से जैसे सूर्य देव ने कृपा करी और वनस्पति में आग यानी कि लकड़ियों से हम आग जलाते हैं, ठीक है। अब एयर के फादर कौन हुए, उत्पत्ति जिससे हुई वो पेरेंट हुआ, तो एयर का पेरेंट हुआ वाटर। क्या ये समझ में आ गया, उत्पत्ति यानी कि
क्रिएशन किससे हुई, वाटर से एयर की क्रिएशन और एयर से ये साइकिल देखेंगे तो समझ में आएगा, एयर से फायर की क्रिएशन हुई, राइट। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि वाटर वाटर एयर का फादर है, ऐसा समझो, तो फायर का क्या हुआ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हुआ। और तुम सबके ग्रैंडफादर मैं लिख के देता हूं बेटा, कंट्रोल में रखते होंगे सबको, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि ऐसा ही है ये तत्वों को कहते हैं। अपने से तीसरी जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन जो है वो मार्गदर्शन करती है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और उसमें क्या होता है, जो थर्ड जनरेशन होती है वो इरिटेट हो जाती है। क्या समझ में आ गई, सिंपल समझ में आया, अपने से तीसरे तत्व को पहला तत्व डिस्टर्ब करता है, उसकी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, डिस्टर्ब करने का मतलब उस दिशा से रिलेटेड जो भी गुणधर्म होंगे उनकी प्राप्तियों में विरोध पैदा करेंगे। क्या ये समझ में आ गई यहां तक बात, चले आगे चलते हैं। यहां हमने समझा इस क्रम को, कौन किसको, अब स्पेस हमने कहा एयर को, वाटर फायर को, अर्थ वाटर को, और ये रिस्ट्रिक्टेड का एरो है, इस क्रम को अच्छे से याद कर लीजिए। क्या क्या गुणधर्म है इन तत्वों के, भी गुणधर्म है, जल तत्व, जिसका जिसका जल तत्व डिस्टर्ब होगा, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की दिशाएं जिसकी डिस्टर्ब होंगी, वो इमोशनली वीक होगा, उसकी हीलिंग स्लो होगी और आलस्य से भर जाएगा, फ्लो में उसके विरोध हो रहा होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। क्या समझ में आया, जब कोई व्यक्ति अपने को ये कहे कि ये तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तुम बिल्कुल इस लेवल पर हो, स्टार्टिंग पर हो, तत्व समझ में आ गए तो जब मैं वाग सिद्धि करवाऊंगा तो वाणी से ही पकड़ लोगे कि इसका कौन सी डायरेक्शन की पीड़ा बात कर रहा है। इसको वाग सिद्धि यानी कि वाणी से पकड़ना किसी की भी बात को, तो वाणी बताती है, क्योंकि जो क्लाइंट होता है वो कौन होता है, भगवान होता है, और भगवान की वाणी ब्रह्मवाणी होती है, ये ध्यान रखना। तो अगर क्लाइंट अपनी पीड़ा बता रहा है तो 110% उन दिशाओं में दोष होगा जिस दिशा से रिलेटेड वो पीड़ा बता रहा है, बस तुम्हें मैप करते आना चाहिए, वो आ जाता है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। उसके बाद एयर, एयर क्या रिप्रेजेंट करती है, ग्रोथ एंड कनेक्शन। जब हम पेड़ को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, उसकी जो टहनियां हैं, पत्ते उसमें ग्रो कर रहे हैं, तो एयर रिप्रेजेंट ग्रोथ एंड कनेक्शन। फायर क्या है, फायर जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ऑस्पिशियस अग्नि, ये स्लाइड चाहिए तो मैसेज कर देना, मिल जाएगी एट्रीब्यूट्स वाली। फायर क्या है, फायर ऑस्पिशियस फायर है, यानी कि शुभ अग्नि है। कॉन्फिडेंस, जब व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम होता है तो फायर की दिशाओं की पीड़ा है। अगर एक्स्ट्रोवर्ट नहीं होता व्यक्ति, बहुत ज्यादा बात नहीं करता, तो भी प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस उसका लूज रहता है, वैसे सारी तैयारी करते हैं लेकिन जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं कांपना शुरू कर देते हैं, तो फायर की दिशा में प्रॉब्लम है, फायर तत्व डिस्टर्ब है उसका, अग्नि तत्व, ठीक है। अगर व्यक्ति ये कहता है कि अपने जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है भाई साहब, अप्स एंड डाउन्स बहुत आ रहे हैं, तो वो कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, अब आप देख सकते हैं अर्थ के नीचे लिखा है स्टेबिलिटी। किसी के घर में रिलेशंस डिस्टर्ब हैं तो क्या है, अगर हस्बैंड वाइफ तुमसे कभी ये बात करें, कोई अभी आगे आगे सिखाऊंगा और ज्यादा एग्जाम्पल देके, पर अभी के लिए ऐसा समझो कि मैं कुछ भी एफर्ट करता हूं या करती हूं, ऑल गोज इन वेन, यानी कि सब कचरे में जा रहे हैं, नाली में जा रहे हैं मेरे सारे एफर्ट रिश्ते को बचाने के, 101% साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, क्योंकि वो किसकी बात कर रहे हैं, एफर्ट्स के डिस्पोज होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे रिलेट करते आ जाता है। तुम लोगों को हैवी तो नहीं हो रहा सेशन, मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो सेशन, तो ऐसे करो बटन दबा के, कुछ सीखने में आ रहा है या कंफ्यूज हो गए हो, सीख रहे हो ना,
ये देखो, ये दूसरे जो वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, ये ऐसा लग रहा है अपने पैसे दिए हैं, ऑनलाइन आके बैठो, जनता इकट्ठी करनी है। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अगर सेशन लेंदी लग रहा है तो इसको हम कट शॉर्ट कर सकते हैं, वो भी आता है करना। ऐसे ही कंटिन्यू में चले, फ्लो में चले, या कट शॉर्ट कर दें? फ्लो में चले। ठीक, हाँ। उसके बाद स्पेस, सबसे मिस्टिक एलिमेंट स्पेस है, सबसे मिस्टिक एलिमेंट स्पेस है। ठीक है, सेविंग्स की भी दिशा है, एजुकेशन की भी दिशा है। सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो स्पेस देखते हैं, कोई कहता है कि मेरे को प्राप्तियां नहीं हो रही तो स्पेस के दिशाएं देख लेते हैं। आकाश तत्व, जहां व्हाइट कलर की शेडिंग हो रखी है, वो सारी दिशाओं में चेक करते हैं। ठीक है, और किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके नुकसान क्यों हो रहे हैं, और कई बारी स्पेस की दिशा हीलर को भी कंफ्यूज कर देती है। इसका जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एस्ट्रो वास्तु कनेक्शन है। अगर उस व्यक्ति की राहु की या केतु की महादशा अंतरदशा चल रही होती है, तो वो राहु केतु की महादशा अंतरदशा हीलर को भी कंफ्यूज कर देता है। हीलर को दिखता ही नहीं कि दोष कहाँ है, उसकी आंखों के ऊपर भ्रमित हो जाता है। तो इसीलिए कुंडली भी देखते आनी चाहिए कि व्यक्ति की दशाएं क्या चल रही हैं, और क्या वो उसके फेवर में है या फेवर में नहीं है। नॉट ऑल प्लैनेट्स आर फेवरेबल, नॉट ऑल आर अनफेवरेबल, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद यहां पर देखते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाता है। इसकी मैंने ये स्लाइड बनाई है आपको बैलेंस करने के लिए। बैलेंस इसीलिए है क्योंकि जब आप किचन की रेमेडी पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत बड़ा सहयोग है, इस स्लाइड का। तो अगर जल तत्व में अग्नि आ जाती है तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है? यहां देखेंगे, वाटर एंड फायर के बीच में बैलेंसर कौन है? एयर, बिटवीन वाटर एंड फायर लिखा हुआ है। फायर बिटवीन एयर एंड अर्थ, एयर एंड अर्थ के बीच में फायर। ठीक है, अर्थ क्या है? फायर और स्पेस के बीच में बैलेंसर का काम करती है। तो स्पेस क्या हुई? अर्थ और वाटर के बीच में बैलेंसर का काम कर रहा है, और वाटर क्या हुआ? स्पेस एंड एयर के बीच में बैलेंसर का काम कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? इनके बीच में एक बैलेंसर है, एक तत्व बैलेंस कर रहा है, यानी कि ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन के बीच में फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उस जनरेशन को बैलेंस बना के रखता है। वो अपने पापा को समझाते हैं कि ठीक है पापा, आजकल बच्चे ऐसे ही हैं। हाँ, तो वो बैलेंसर जो है कौन हुए? सेकेंड जनरेशन बैलेंस होती है फर्स्ट और थर्ड के बीच की, इसका ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इनके मेटल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जो जल तत्व है उसका मेटल क्या है? एल्यूमिनियम एंड जिंक, सिल्वर भी है, सिल्वर भी यूज करते हैं। वायु तत्व का क्या है? SS304। और अग्नि तत्व का है कॉपर, कॉपर यूज होता है। अर्थ को बैलेंस करने के लिए ब्रास एंड लेड का यूज होता है। ठीक है, पर लेड को देख के यूज करना, फिर बोलता हूँ एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है, लेड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल राहु की स्थिति देखकर किया जाता है। ठीक है, हाँ। फिर आगे स्पेस, आयरन, स्पेस का क्या तत्व है? आयरन। तो ये फिक्स है, इनके तत्व कहाँ यूज होंगे अभी आगे बताऊंगा। ये स्लाइड लेने के लिए क्या मैसेज करेंगे अपन? मेटल। ठीक है, डब्ल्यू सी अलग अलग दिशाओं में क्या दोष देता है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तुम्हें रिलेट कैसे करना है ये बता देता हूं। जैसे नॉर्थ की दिशा है मनी एंड अपॉर्चुनिटी की, अगर वहां पे डब्ल्यू सी होता है तो डब्ल्यू सी क्या करेगा? डब्ल्यू सी का एट्रीब्यूट होता है डिस्पोज करना, विसर्जन। तो पैसा और अपॉर्चुनिटी विसर्जित हो रही होगी। कई लोगों को अपॉर्चुनिटी तो आ रही होगी लेकिन मैच्योर नहीं हो रही, पैसा आ रहा होगा लेकिन रुक नहीं रहा। ऐसा ही ईस्ट में होता है। ईस्ट में अगर टॉयलेट होता है तो व्यक्ति के सोशल कनेक्शंस डिस्पोज हो जाते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति को अपने पास बिठाना पसंद नहीं करते, उससे बात करना पसंद नहीं करते। वेस्ट साउथ वेस्ट में होगा,
आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग चक्र पे नजर घुमाएंगे तो तुरंत से पकड़ते में आएगा। जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो दिशा स्पेस की है और साथ में उसका गुणधर्म है एजुकेशन एंड सेविंग्स। तो अगर वहां पर टॉयलेट होगा तो बच्चों की एजुकेशन को हैम्पर करता है और साथ में सेविंग्स को डिस्पोज करता है। अब रेमेडी कैसे लगानी है, क्या यूज करना है, इसकी एक वीडियो भी है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। कैसे लगाते हैं, यूरिनल पॉट होता है उसके चारों तरफ लगती है, ये ध्यान रखेंगे। कई लोग ऐसे नीचे लगा देते हैं बस तीन तरफ से, वो इम्पैक्ट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ये WC जो इंडियन स्टाइल बना होता है उसको चारों तरफ से करते हैं, और ये जो WC है इंग्लिश वेस्टर्न WC इसको तीन तरफ से करते हैं। एक्चुअल में सभी लोग कहते हैं ब्लॉक, पर दिखाता हूं तुम्हें ये ब्लॉक का तंत्र नहीं है, ये मामला कुछ और है। हाँ यहाँ देखो, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा समझो कि ये WC का कमोड है, ये WC का कमोड है, ऐसे कमोड बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अपन ये दम स्थान निकालते हैं, और भ्रम स्थान से ये दिशाओं की तरफ ये पिज्जा स्लाइस बने होते हैं इस तरीके से, और WC यहाँ है, ऐसा समझो कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ की दिशा में है, और ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा में है। WC दो दिशाओं में आ रहा है। तो क्या होता है कि जब भी एक सेकेंड, जब भी फ्लो ऑफ एनर्जी सेंटर, ये सेंटर भ्रम स्थान होता है, यहां से फ्लो आ रहा है एनर्जी का, इस तरफ जाता है ऐसे, इधर से फ्लो इस तरफ जाएगा, इधर से इस तरफ जाएगा, यहाँ फ्लो बिल्कुल एक्यूरेट है, पूरा जा रहा है। यहाँ WC होने की वजह से ये फ्लो, जब यहाँ पे ये फ्लोट करेगी एनर्जी तो यहाँ ये इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो जैसे ही हम मेटल यहाँ लगाते हैं, अंदर मेटल डालते हैं इधर, ये एक तरह का इसको एक ब्रिज दे देते हैं, कनेक्शन दे देते हैं। तो जब एनर्जी यहाँ फ्लो कर रही है तो अब उसका एक पूरा पाथ बन गया, उसको एक राउट मिल गया। तो मेटल कौन सा लगाना होता है, मेटल जिस दिशा में WC है उस दिशा का मेटल लगाते हैं। तीन दिशाएं आप लिख लें, यहाँ पे WC ओके होता है, लिख लीजिए। साउथ साउथ वेस्ट क्योंकि वो विसर्जन की दिशा है, जैसा मैंने आप लोगों को कहा, वहां WC बिल्कुल ठीक है, वहां कोई पीड़ा नहीं देता। WNW जो डिटॉक्सिफिकेशन की है, डिटॉक्सिफिकेशन की दिशा में WC बिल्कुल ठीक है, व्यक्ति के अंदर ग्रंथि नहीं बनने देता ये इमोशंस की, ठीक है। उसके बाद आपका चर्निंग की जो दिशा आती है उस दिशा में भी, ESC की जो दिशा है वहां WC ठीक है, लेकिन सर्विस क्लास के लिए ठीक है, बिजनेसमैन के लिए उसके जो उसका तंत्र है, उसकी डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है उसको एनालाइज करके ही वहां पे WC का उपचार करना। अगर उसको डिसीजन मेकर अच्छा है, वो बिल्कुल चर्निंग प्रोसेस उसका हैम्पर नहीं है, और तो वहां पे WC का कोई उपचार करने की जरूरत नहीं है। पर अगर वो तुरंत डिसीजन ले रहा है, रॉन्ग डिसीजन ले रहा है, इंस्टेंट बिना सोचे समझे ले रहा है, तो WC का उपचार ESC में करने की बिल्कुल आवश्यकता है। हाँ अब आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वन वर्ल्ड वास्तु ने 2021 में अफोर्डेबल लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, यही कोर्सेज अपन बहुत अपने ही करवाते थे, कोई और महंगे नहीं करवाता था, अपन ही करवा रहे थे और करवा भी रहे हैं। लेकिन अफोर्डेबल लर्निंग प्रोग्राम में ये सारे सर्टिफाइड कोर्सेज 2100 रुपीज के हैं, ये वाला कोर्स, इसके आगे आगे स्ट्रक्चर बना हुआ है 2100, देर इज नो हिडन चार्ज, कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई इसके अंदर GST नहीं है, सब इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा न्यूमरो वास्तु का कोर्स है, ये भी 2100 का है। सारे कोर्सेज के अंदर लाइव सेशन संडे के संडे, सैटरडे या संडे हुआ करेंगे, ठीक है, चार चार पांच पांच लाइव सेशंस हैं। उसके बाद एस्ट्रो वास्तु का कोर्स है, ये 4000 रुपीज का है। 45 वास्तु देवता कोर्स 8100 रुपए का है।
और भी कोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल वास्तु हो गया, वाक सिद्धि हो गया, वास्तु मेंटोर है, वास्तु रेमेडी कार्ड्स कोर्स है, ये इंट्यूटिव आ गया। फिर ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं उनके लिए भी प्रोग्राम है। एडवांस वास्तु टूल्स है और इंट्यूटिव वास्तु मेंटोर है। और जो ऑफलाइन कोर्स है वो वास्तु आचार्य का कोर्स है। तुम जो कोर्स करना चाहो वो कर लो, सिर्फ एक कोर्स नहीं कर सकते, वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, और वो ये है कि वास्तु आचार्य कौन करेगा। उसमें सारा तुम्हारा, सारी चॉइसेस तुम्हारी, लेकिन एक चॉइस तो मेरी बनती है, और मैं वास्तु आचार्य का कोर्स उसी के लिए अप्रूव करता हूँ जो बहुत अच्छे से, जो भी कोर्सेज हैं एलिजिबल कोर्सेज, उनके अंदर अपनी केस स्टडी करते हैं। इन कोर्सेज में जो आपकी केस स्टडीज हैं वो भी आपके घर पर ही हैं। जो असाइनमेंट्स मिलेंगे वो आपकी कुंडलियों पे, आपके घर पर, आपके नक्शों पर है, उसमें ऐसा नहीं। हाँ, कुछ मैं स्टार्टिंग में करवाता हूँ केस स्टडीज, ताकि आपको अच्छे से ट्रेंड हो जाओ अपने टूल्स के साथ, लेकिन जो आपके फाइनल असाइनमेंट्स हैं वो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर है सारे से। ठीक है, स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप बना हुआ है, जो लोग भी सपोर्ट स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप में हैं उनको सपोर्ट रेगुलर मिलती रहेगी। ग्रुप में मैं भी हूँ, मेरे आचार्य भी हैं, मेरे एक्सपर्ट्स भी हैं, सभी लोग, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब लोग ग्रुप में हैं। हाँ, ग्रुप में हम जवाब नहीं देते उसको जिसका कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होता। जिसका कोर्स से रिलेटेड है, रेलेवेंट क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई नया ग्रुप शुरू हुआ है और किसी को आता है तो वो पहले ही पूछ लेता है, दुकान के पश्चिम दिशा के अंदर ये कलर है जी, उसको अपने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर ले। तो जो बिगनर है वो कंफ्यूज हो जाता है ना। तो अपने किसी को कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए आप अपने प्रश्नों को पार्क करें। जब क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे उसके अंदर मैं खुद लाइव आके आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करूंगा। और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि 4 ही सेशन देने हैं, ये भी ध्यान रखना। जब मैं 8 बजे से लेके सुबह 6-7 बजे तक बच्चों को अपने साथ बिठा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, और कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली, तो मेरे लिए कोई बाध्य नहीं है कि मुझे 4 सेशन में ही कोर्स खत्म करने हैं। मेरा पैशन है और मुझे अगर अच्छा लगता है तो मैं पढ़ाता हूँ, और जब आपका मन करे तब आप इन सेशंस को अटेंड कर सकते हो, कोई आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस कोई इनडिसिप्लिनरी ग्राउंड है ना। और मेरे सेशंस में हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल नहीं बोलिएगा फलानी जगह पे ऐसा पढ़ा था जी, वहां पे अच्छा नहीं पढ़ाया था, वो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं कराई थी, इट्स ओके है ना। जो बीत गया वो कल, अब वो जो बीत गया क्या है, वो दौर ना आएगा। हाँ, तो इसीलिए जो बीत गया वो बीत गया, लेट्स बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांट। अपने आप को अपग्रेड करें, अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है बहुत अच्छा सर्टिफाइड वास्तु एक्सपर्ट प्रोग्राम अपन ने इंट्रोड्यूस किया है, 2100 रुपये में सिर्फ, और जबरदस्त है ये, एनरोलमेंट इसकी जबरदस्त जा भी रही है, ये भी बता दो। ये भी गुरुदेव की कृपा है, मैं नहीं करता कभी 2100 रुपये, ये भी बता दो। वो बच्चा मेरे पास आया, जबकि इस आचार्य कोर्स, जब ये वाला आचार्य कोर्स फरवरी में कराया था तो सब बच्चों को ये कहा था कि अगले साल फीस बढ़ने वाली है आचार्य कोर्स की, है ना। और तुम्हें बता देता हूं कि जो लोग अफोर्डेबल में एनरोल होंगे उनके साथ कतई ऐसा नहीं होगा कि बाद में उनको बढ़ी हुई फीस चिपकाई जाएगी, नहीं। जो आप प्रोग्राम में एनरोल्ड हो वही आपके लास्ट तक एनरोलमेंट चलेंगे, चाहे वो आचार्य हो, इंडस्ट्रियल हो, या कोई पैकेजेस भी बना दिए हैं। मैंने पैकेज का नाम रखा है नदन पैकेज, ईस्टर्न पैकेज, साउदर्न पैकेज और वेस्टर्न पैकेज। अपन वास्तु वाले हैं तो ऐसे 4 दिशाओं से ही कर लेते हैं, है ना। तो उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज फ्री भी हैं, जैसे 2-4 कोर्स लोगे तो आगे 2-4 कोर्स फ्री हैं, इस प्रकार से पैकेजेस बने हुए हैं। और सारी ही विधाएं बहुत उत्तम है, जो आपका मन करे वो आप पढ़ सकते हैं। अभी के लिए अपन इसको आगे चलते हैं। हाँ, किचन रेमेडी कैसे करनी है इसको सीख लेते हैं। एक चीज और है, मैं शायद भूलता हूँ, ये नीचे नंबर दिया हुआ है सपोर्ट का, कहाँ नंबर सपोर्ट का दिया हुआ है, दिखता है, ये रहा सपोर्ट का नंबर दिया हुआ है। जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं वो आचार्य ईशा जी को इसी नंबर पर अपना इंटेंट भेज सकते हैं। कल से हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, कल सुबह 8 बजे से एक बैच शुरू हो रहा है,
और 8 से 12 उसकी क्लास चलेगी, और 4 संडे जैसा मैंने कहा वो क्लास चलेगी। बिल्कुल फ्रेश बैच है, जो लोग करना चाहते हैं एनरोल वो कर सकते हैं। फीस सेम, नो चेंजेस, 2100 रुपीज होंगे। आगे चलते हैं। हाँ जी, जो जल तत्व है इसके अंदर अगर अग्नि आ जाती है तो अपने को किसका यूज करना चाहिए? ग्रीन बड़ौदा स्टोन या कोई भी हरे रंग का स्टोन। क्यों? क्योंकि ब्लू यानी कि वाटर और फायर के बीच में बैलेंसर कौन है? एयर। अभी मैंने आपको बताया, वो शीट आ गई आपके पास, नहीं आई तो आ जाएगी। बैलेंसर अगर एयर है तो एयर का कलर क्या है? हरा। अब इसमें हरा बड़ौदा पत्थर ही नहीं यूज करना, हरी टाइल यूज कर लो, है ना, उसका मेटल यूज कर लो, SS मेटल है उसका, उसको यूज कर सकते हो। कोई पत्थर लो उस पे हरा रंग कर दो, वो भी चलेगा, पर सबसे उत्तम रिजल्ट आते हैं अगर तुम मेटल यूज करते हो। अगर कहीं अग्नि है, यानी कि अग्नि को मैं बोल रहा हूँ किचन, अगर किचन कहीं नॉर्थ में है और तुम्हारे को पीड़ा दे रही है, तो एक सिलिकॉन ग्लू आती है, सिलिकॉन ग्लू लीजिए, 24 या 22 गेज की SS304 की तार लीजिए, उसके चारों तरफ अंडरग्राउंड करते हुए, ताकि वो किसी को दिखे नहीं, ऐसे गैस स्टोव है ना, उसके जो साइड एजेस होते हैं उसके अंडर, उसको आप उस गेज की वायर से चारों तरफ से ग्लूड कर दीजिए। उपचार हो गया। और अगर किसी का रेंटेड अपार्टमेंट है, रेंटेड प्रेमिसेस है, तो आप पत्थर लगा सकते हैं, ग्रीन बड़ौदा पत्थर बहुत ही सस्ता आता है ना, तो ये करिए, ठीक है। इसके बाद यहां देखेंगे अगर आप, तो यहां पे लिखा हुआ है कि एयर की जो दिशा है, अगर यहां पर फायर आ जाए तो किससे करेंगे? तो भी ग्रीन से ही करेंगे। फायर की दिशा में फायर हो तो बिल्कुल ठीक है, अर्थ की दिशा में अगर फायर आ जाती है तो अर्थ यूज करते हैं, इसलिए येलो जैसलमेर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्पेस में अगर फायर आ जाए तो भी येलो यूज करते हैं, क्योंकि फायर और स्पेस के बीच में बैलेंसर कौन है? अर्थ है। क्या समझ में आई? ये स्लाइड मिल जाएगी आप लोगों को, ये वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से जिस दिशा में भी किचन है, किचन उत्तम है साउथ ईस्ट में, अग्नि कोण में उत्तम है, साउथ साउथ ईस्ट में कॉन्फिडेंस देती है, एग्रेशन भी थोड़ा सा आ जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। और जो साउथ की दिशा है वहां पर भी किचन अच्छे रिजल्ट देती है, अग्नि की दिशा में अग्नि उत्तम रिजल्ट देगी, ये ध्यान रखना। अब 2-3 चीजें हैं, इसको समझ लीजिए, क्योंकि काफी सारे लोग गलती करते हैं इसके ऊपर। जैसे साउथ ईस्ट में किचन है पर फिर भी कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा देखा गया है कि उनकी जो स्लैब है नीचे की, या तो वो ब्लैक है या वो ग्रे है, क्योंकि ग्रे स्पेस की दिशा का कलर है और वो भी विरोध पैदा करता है साउथ ईस्ट, तो अपन उनको कहते हैं स्लैब भी चेंज करवाएं। ऐसे ही आप टाइल्स देख सकते हैं क्या है वहां पर, ठीक है। और स्पेस यानी कि जो खुला एरिया है वो भी स्पेस है। अगर अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में पीछे की तरफ खुली हुई बालकनी होगी तो भी पैसे से रिलेटेड दिक्कत आ रही होगी, ये भी ध्यान रखना। अग्नि कोण किचन तो बना दी, किचन के पीछे बालकनी दे दी, तो जैसे ही आपने बालकनी दी हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाए, है ना, क्योंकि स्पेस इज ओपन एरिया, जो हमारी बालकनियां हैं वो सब स्पेस के अंदर आती है, जितना ओपन एरिया है वो स्पेस में आता है, ठीक है। तो अगर वहां होगा, ऐसा शास्त्र में भी लिखा है कि अगर अग्नि कोण में पीछे बालकनी या एरिया छोड़ देते हैं तो वो पीड़ा देता है, अग्नि कोण को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको पूरा कवर कर लेना चाहिए। आगे चलें, ये तो खत्म हो गया ट्रेनिंग सेशन। हाँ, थैंक यू। क्या समय हो गया है? 9 बज गए, पौने 9, बिल्कुल ठीक टाइम खत्म हुआ है। कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हो आप लोग, अगर क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो जो सपोर्ट नंबर है उसके ऊपर क्वेश्चंस लिखकर अपने टेक्स्ट कर दीजिए, और सेशन कैसा लगा ये मुझे जरूर आप फेसबुक पर रिव्यू दीजिएगा कि कैसा आपको मेरा सेशन लगा। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिख दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो भी अच्छा लिख दीजिएगा।
जो मन में आए वो लिखना है? और एक रेमेडी और बताता, बहुत जबरदस्त रेमेडी है, मास्टर रेमेडी जिसको हम कहते हैं, है ना। मास्टर रेमेडी ये है, ये मेरा अपना अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। पहली चीज तो ये है कि ये बच्चे जितने भी अपने पास पढ़ रहे हैं, अपने ने कभी इनको किसी भी प्रकार की ब्रास की आइटम बेची नहीं है, क्योंकि प्रयोजन पढ़ाना है। हाँ, कुछ बच्चों को सोर्स करके जरूर दी है, क्योंकि वो बाहर कहीं लुटपुट के आते थे तो हम उनको सोर्स कर देते थे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि ऑनेस्ट रहो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने से रहो। तुम्हें कितना ज्ञान आता है कितना नहीं आता, इसकी फिल्ट्रेशन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे पास जो पोर्टफोलियोज है ना हाथ में, वो डिक्लेयर कर देते हैं, है ना। मेरे कोई भी स्टूडेंट 4-5 हजार रुपए लेके वास्तु करने वाला नहीं है, कोई भी स्टूडेंट। सभी बहुत अच्छे लेवल पे वास्तु करते हैं, जो कि मेरे से बहुत आगे तक पढ़ चुके हैं। और क्योंकि वो मेरे साथ मेरे क्लाइंट्स की साइट पर जाते हैं, उन्होंने देखा है कि अभी ये लोग पुणे जा रहे हैं मेरे साथ, पुणे में अपने पास जो प्रोजेक्ट आया है वो 150 CR का बिल्डर का प्रोजेक्ट है पूरा। तो जब ये इतनी बड़ी साइटों पर जाते हैं, विजिट करते हैं, काम करते हैं, तो इनका मन भी यही करता है कि ये ऐसे ही अच्छे बड़े क्लाइंटों के साथ काम करें, है ना। इस बात का ध्यान रखना। और मेडिटेशन जरूर करो। मैं जो लोग भी पंचतत्व मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो ईशा जी को मैसेज कर देंगे तो आप लोगों को पंचतत्व मेडिटेशन मिल जाएगी, मेरी ही रिकॉर्डेड है, उसको सुनिए। सुबह उठ के मेडिटेशन कीजिए, सोने से पहले मेडिटेशन कीजिए। बिलीव मी, आपको मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि ना आप मुझे गुरुजी बोलो, ना मुझे कोई गुरुजी सुनने का शौक है। मेरा प्रयोजन ये है कि मैं आपको आपके गुरु तत्व से मिला दूं, जैसे मेरे गुरुदेव ने मुझे मिलाया। कहा था ना, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है अभी थोड़ी देर तक, है ना। तो अगर मेरे से नॉर्मल मिलते हो तो मैं जीन्स टी शर्ट में मिलता हूं, है ना। और फिर जब ये अभी कुछ बच्चे मुझे यहाँ पे पीछे हिल्टन में मिले गुड़गांव में, तो मैंने उनसे आके वही हिल्टन में पैर छूने लगे, मैंने बोला रुको, वो बड़े भाई साहब पढ़ाते हैं, मैं थोड़ी हूं, ठीक है। तो इसीलिए बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो ज्ञान है ये गुरुदेव की कृपा से मिलता है। बच्चे के हाथ में तुम AK-47 पकड़ा दो तो वो मिसफायर करता है। तुम्हें डायरेक्शन जरूर चाहिए, किसी से भी लो। मैं ये नहीं कहता हूं मुझसे पढ़ो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, तुम किसी से भी पढ़ो, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब आदरणीय है, सब बहुत सुंदर है, है ना। लेकिन जिससे भी पढ़ो भाव से पढ़ो, उसमें विश्वास करके पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है ना नहीं ये मेरे ठीक नहीं है, तो हट जाओ वहां से, तुरंत हट जाओ। अपने को गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, और वो करो जो तुम्हारा मन करता है, वो मत करो जो दूसरा आदमी तुमसे कहता है कि ये करो। ज्ञान लेना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये दो अलग बातें हैं। प्रैक्टिकल वर्किंग अलग होती है, पढ़ना पढ़ाना एक अलग बात होता है। इसीलिए मैं कंसल्टेशन भी करता हूं और अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाता हूं, ताकि उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता चले कि चैलेंजेस आते क्या हैं वास्तु करते में। मैं तुम्हें रिपोर्ट दे सकता हूं, मेरा जो ये कोर्स है इसका तुमको एक ओवरव्यू देता हूं कि कैसा है ये कोर्स हमारा, इसमें क्या क्या है। इसके अंदर हम लोग रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मिल रहा है इसके अंदर, है ना। पर प्रयोजन क्या है, ये तो तुम्हारे रेफरेंस के लिए है सारी चीजें। प्रयोजन ये है कि तुम लोग अच्छे से इसकी वर्किंग करो। यहां देखो, ये देखो, इंट्रोडक्शन टू वास्तुशास्त्र, ये वीडियोस हैं, ये सारा पूरा का पूरा नक्शे कैसे बनाने हैं वीडियोस में पूरा है। ये ईबुक्स हैं, ईबुक्स के अंदर जो है वही वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ ऐसा इधर उधर से नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक एक टॉपिक को अपने ही हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। वास्तु चक्र है, वास्तु पुरुष मंडल है 16 दिशाओं का,
इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनाया हुआ है। ये आ गया क्या? ये नहीं आ गया। यहां देखेंगे ये पूरा मंडल बना हुआ है इसके ऊपर, इसमें मरम भी है। हमने इसके अंदर एक चीज और करी है और वो ये है कि एडवांस वास्तु टूल है, वास्तु दोषा फाइंडिंग टूल है। आपको कुछ नहीं करना, मैपिंग करनी है वास्तु वाले को, वास्तु वाले का काम करना है। मैपिंग करके टूल के अंदर डालते रहोगे इंफॉर्मेशन और रिजल्ट आता रहेगा। वीडियोज हैं ये सारी, अर्थ एनर्जीज एनालिसिस, ये बार चार्ट टूल आ गया, ये रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्लाइंट की कैसे होनी चाहिए, फॉर्मल रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए, रेफरेंस शीट आ गई फाइव एलिमेंट्स की, इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है कौन से तत्व का क्या होना चाहिए। ये देखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सरल किया हुआ है, इंफॉर्मेटिव है, कौन से कलर का क्या है कैसा है, ये सारा अपने ने इसके अंदर कर दिया है। पंच तत्वों की AUO है, एक्टिविटी यूटिलिटी एंड ऑब्जेक्ट क्या है इसके, इसको आप देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी एक शीट बनी हुई है कि कौन सा तत्व क्या रिप्रेजेंट करता है। बहुत कुछ है इसके अंदर, सॉइल टेस्टिंग है जो आमतौर पर लोग मिस कर जाते हैं। एक एक्सपर्ट को सॉइल टेस्ट करते भी आना चाहिए कि कौन सी भूमि किस तरह के व्यापार के लिए उचित है। ये असाइनमेंट्स हैं, ये आपके घरों के ऊपर है, ये घर के ऊपर है आपके असाइनमेंट्स। यहाँ देखें क्या लिखा है, ये वन वर्ल्ड वास्तु असाइनमेंट का क्या है, ये इसको अगर मैं रिनेम करता हूं तो एक सेकेंड, इसमें यही है कि SSC में आपके घर के SSC में क्या है। ये क्या आ गया, टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ आता रहता है। ये एक सेकेंड दो बच्चों, ये हाँ। तो ये सारा बहुत सरल किया हुआ है। गिव रेमेडी फॉर रिलेशनशिप, व्हाट आर रेमेडीज फॉर पेमेंट्स, नेम डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारा कुछ है, बहुत ही सरल है, इसको बड़े अच्छे से कर सकते हो। और मैं तुम लोगों को एक वीडियो भेजूंगा आचार्य कोर्स की जो हमने करवाया था इस बारी, उसमें देख लेना इंट्यूटिव का, पोस्ट पोस्ट आचार्य कोर्स भी देख लेना, अपने ही बच्चे हैं सारे के सारे जो चारे कोर्स करके गए हैं कि इंट्यूशंस होती क्या है। खूब शोर मचा है इंट्यूशंस इंट्यूशंस, हाँ बड़े सस्ते में मिलती है इंट्यूशंस, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मेडिटेशन करनी होती है, अपने आप से कनेक्ट होने की जो विधा है वो इंट्यूशंस की विधा है। कभी नींद में ऐसा फील हुआ है कि अपने आप से बात कर रहे हो, कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, बहुतों को हुआ होगा ऐसा। यही मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे से पढ़ने आओगे तो मेरा प्रयोजन ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुरु तत्व से मिला दूं, क्योंकि एक बार उस गुरु तत्व के दर्शन हो गए फिर तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, फिर वो जो इनसाइट आएगी ना वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और फिर उस इनसाइट को फॉलो करते जाना, और ग्रोथ ही ग्रोथ है, एम्बेंडेंस ही एम्बेंडेंस है। प्रॉब्लम ये है, मैं कई बार अपने बच्चों को कहता हूं जरा बाहर देखो, सितारे दिख रहे हैं, चंद्रमा दिख रहा है, कितनी खूबसूरत नेचर है, कभी कंट्री साइड जाकर देखो, ये सब परमात्मा ने बनाया है, अपनी बॉडी का मैकेनिज्म परमात्मा ने बनाया है, कितना सुंदर है। देखो ये आंख है, इससे यहाँ एक डक्ट जाती है, एक यहां से टियर डक्ट बोलते हैं, क्या सिस्टम बनाया है परमात्मा ने कि आंख में पानी आए तो टियर डक्ट से नोज में चला जाता है। एक साइंटिस्ट ने अमेरिका में गवर्नमेंट के 200-300 करोड़ रुपए लगा दिए, उसके बाद भी उससे एक बुद्धिजीव नहीं बन सका, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। तो तुम बहुत अनमोल हो, मैं बस यही कहता हूं। तुम सोचो कहीं तुम्हें ये कहे कि तुम किसी काम के नहीं, बिलीव मी तुम किसी काम के तो हो। बस ये डायरेक्शंस जो मैं कहता हूं कि वो बच्चे के हाथ में AK-47 गई तो उसने मिसफायर ही करना है 360 डिग्री। तुम्हारे पास विश्वास है, स्पिरिचुअल हो, मेडिटेशन कर सकते हो, विधा पढ़ना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। अपने लिए रेमेडी लेना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। सोशल वर्क करना चाहते हो सीख के, यू आर मोस्ट वेलकम। सिखाना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम।
पर लूटना चाहते हो मेरे पास मत आना। मैं कंसल्टेशन लेता हूँ अपने क्लाइंट से और खूब सारी लेता हूँ, तुम्हें बता दूँ, खूब बोले तो खूब जमीन निकल जाती है नीचे से लोगों की ये सुन के कि वास्तु वाले इतने भी पैसे चार्ज करते होंगे, और बोल के लेता हूँ क्योंकि फिर जो मोस्ट रेलेवेंट रेमेडी है वो लगाता हूँ, क्योंकि यही ज्ञान गुरुदेव ने दिया है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, फिर उसकी थाली में नजर नहीं मारोगे, तुम अपने में खुश रहो, है ना। तो अगर 150 CR का कॉन्ट्रैक्ट है किसी क्लाइंट का, तो क्लाइंट छोटा तो होगा नहीं, अपने आप में ही कोई टाइकून होगा वहां महाराष्ट्र में, पुणे में। तो इसीलिए बड़े बड़े पोर्टफोलियो लेने हैं तो तुम्हें अपना थॉट प्रोसेस ब्रॉड करना पड़ेगा। तुम छोटी सोच लेकर बड़ा सिक्का नहीं जमा सकते हो, इस बात का ध्यान रखो। छोटे 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 जो चोरियां होती है ना वो बंद कर दो। ये रिक्शे वाले से 50 रुपए की बार्गेनिंग, प्लीज। उससे क्यों नहीं करते जिससे बहुत महंगा कॉस्मेटिक लेते हो मॉल में? वो आदमी जो इतना कार्य कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन पसीना निकाल रहा है, तुम उससे 10-20 रुपए के लिए आर्गूमेंट्स करते हो, प्लीज स्टॉप इट। बस मेरा वास्तु तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, बिलीव मी, वास्तु पढ़ाना इज नॉट अ बिग थिंग फॉर मी, और तुम्हारे को सिखा भी दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। वो तीर बनाऊंगा जहां चलोगे निशाने पे लगोगे, लेकिन जीवन जीना कैसे है ये बहुत जरूरी है सीखना, है ना। ये छोटी छोटी चिंदी चोरियां करनी बंद करो, ये नग बेच लिए, ये देख लो कोई नग नहीं है, ना पहनता हूं ना पहनाता हूं, जमीन में जरूर डालता हूं क्योंकि जमीन का काम जमीन से ही होता है, खनिज जमीन से निकलता है तो जमीन में ही डल के उपचार होगा, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चंस भेज दिए तुम लोगों ने अपने अपने, जिसने भेज दिए वो ऐसे करो, मैं अभी देखता हूं, क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हो, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, नहीं हैंड रेस करो, ये थम्स अप तो नीचे हो जाता है, सॉरी, ये आईटी का बड़ा पंगा है भाई, आमने सामने पढ़ाने में और भी मजा आता है। एक, दो, तीन, 3 क्वेश्चंस, 4। लिखने में अच्छे हो तो अपना प्रश्न लिखो और ईशा जी को भेजो, मेरे पास आ जाएगा। या संवाद करना चाहते हो, बोलने में अच्छे हो, वाक सिद्धि किए हुए हो, ये बस वाणी को सिद्ध करने की विधा है, ये ध्यान रखना। फिर तुम जो कहते हो वो होता है क्लाइंट का, और कहीं बारी सब कुछ वास्तु नहीं होता, कुछ चीजें होती हैं बस हो जाती हैं, बिलीव मी, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया, मैं इसको गुरुदेव की कृपा ही बोलता, बस हो जाता है। किसी के जाके ऐसे कुछ समझ में नहीं आता कई बारी, पर कुछ करके आते हैं और रिजल्ट होता है। मैं इसको ये समझता हूँ कि भूदेवी की बहुत कृपा है, बहुत ही ज्यादा। हाँ, भेज दिए हो प्रश्न, ये मेरे पास तो आए नहीं ईशा जी, कैसे इनके एक आए हैं, एग्जैक्ट डायरेक्शन, ये एक का प्रश्न का आया है, क्या है एग्जैक्ट डायरेक्शन, कैसे प्लॉट करते हैं मैप में? हाँ, इसके लिए मैं तुमको एक वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना कि कैसे होता है। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी, पारुल पूछ रहे हैं, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ क्या आयुर्वेद का भी रोल है क्या, क्योंकि चक्र में वात पित्त काफ भी है? हाँ जी, बिल्कुल है, वात पित्त काफ की पीड़ाएं जो हैं वो तभी होती हैं जब आपके भूखंड पर, यानी कि आपके घर में वात पित्त काफ की दिशाओं में दोष निकलते हैं। इसमें एक मर्म स्थान की थ्योरी है जो हम एक्सपर्ट में पढ़ाते हैं, मर्म कैसे निकलते हैं ये भी वहां आता है, और वात पित्त काफ प्रकृति है
किसी की वात प्रकृति होती है, किसी की पित्त होती है, किसी की काफ होती है और प्रोमिनेंट होती है। सब में तीनों है, वात पित्त काफ सब में है, लेकिन प्रोमिनेंट वो होता है। और आयुर्वेद की औषधियों से देवताओं के हवन होते हैं जिससे देवता फील्ड जागृत होती है। ये वैदिक का सिस्टम है सारा। इसमें है सुगंध का भी है, अरोमा वास्तु जिसको बोलते हैं। इसमें ध्वनि विज्ञान का भी महत्व है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ ध्वनि विज्ञान का, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, समझते में इजी आएगा। जैसे अपन मॉल में जाते हैं, मॉल में जाकर किसी स्टोर में चले जाते हैं और पीछे एक म्यूजिक बज रहा है, उस म्यूजिक की लय पर तुम में एक ऐसा करंट फ्लो होता है कि तुम शॉपिंग करना शुरू कर देते हो। फील किया है कभी? अगर नहीं किया तो ऑब्जर्व करना। तुमने किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाकर क्या कभी ऐसा देखा है कि रेस्टोरेंट के अंदर भजन कीर्तन चल रहा हो? रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट वाला म्यूजिक ही चलेगा, ध्वनि विज्ञान। मंदिर में कभी देखा है बॉलीवुड का कोई गाना चलते हुए? मंदिर में मंदिर, ध्वनि विज्ञान। एनवायरमेंटल वास्तु एक बहुत बड़ा शास्त्र है, इसको सीखने के लिए तुम्हें ध्वनि, साथ में जो पिक्चर्स यूज की जाती है इंटीरियर, ये सब इसके अंदर है। इफ डब्ल्यू सी इज एस एस डब्ल्यू, क्या लिखते हो? ओके सर, आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल। और भरत क्या लिखते हैं? भरत, इफ डब्ल्यू सी इज अ डायरेक्शन मोर ओवर वेस्ट सर प्लीज रेमेडी। अगर एस एस डब्ल्यू में है, एस डब्ल्यू डब्ल्यू कोई डायरेक्शन नहीं है भरत, एस एस डब्ल्यू की दिशा है। एस एस डब्ल्यू में डब्ल्यू सी बिल्कुल ठीक है, और अगर वेस्ट में है तो अपन चेक करते हैं कि प्राप्तियों का कोई इशू तो नहीं आ रहा, प्राप्तियों से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। और अगर प्राप्तियों से रिलेटेड इशू है तो आयरन की एक पत्ती ले लेंगे, ठीक है? कितने बाय कितने की है, क्या है उसकी जो साइजिंग है, वो आपको व्हाट्सअप हो जाएगी, सारा डिटेल आ जाएगा। आयरन की पत्ती लेकर उसको कैसे जमीन में लगाना है, इसका पूरा वीडियो है अपने पास, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है, उसको देखकर आप इसे लगा सकते हैं। पूनम जी कह रहे हैं मुझे तो डायरेक्शन ही देखनी नहीं आती, अभी बताता हूं। चक्रा है सबके पास? हाँ, अभी बताता हूं। सब लोग मुझे मैसेज करना कि तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट में क्या है। मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करिए आप लोग, कॉम्पास। ऐप स्टोर में जाइए, कॉम्पास डाउनलोड कीजिए, 16 डायरेक्शन कॉम्पास डाल लो या कॉम्पास डाल लो, डन, और उसको डाउनलोड कर लीजिए। सबसे एक्यूरेसी जिसमें आती है वो आईफोन की कॉम्पास होती है, उसकी उसमें बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है। और बताता हूँ, एक ऐप बना रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, जिसमें ऐसे कंपास घूमती है तो वैसे ही अपना चक्र भी घूमने लग जाएगा, फिर इजी हो जाएगा आप लोगों को। हाँ बिल्कुल ठीक निर्मल जी, बिल्कुल ठीक। कंपास डाउनलोड कर ली सबने, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां देखें स्क्रीन के ऊपर, ये घर है। अब आपने यहाँ पे जैसे कमरे बने होंगे, देख सकते हैं, ये कमरा होगा, यहाँ की किचन होगी, ऐसे होगा, यहाँ कोई कमरा होगा, ऐसा कुछ भी एक ये डब्ल्यूसी होगा, है कुछ इस प्रकार से कोई लेआउट होगा, यहाँ सीढ़ियाँ जाती होंगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने घर के नक्शों पे जैसे ये एक पैसेज है ना, तो यहाँ से आप लोगों ने ड्रॉ करना है कि सबसे ज्यादा, जैसे यहाँ एक एक दरवाजा है, यहाँ से निकले, एंट्री आपकी इस तरफ है, तो यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ एक दरवाजा है बाहर जाने के लिए, यहाँ आए, फिर यहाँ एक दरवाजा है बाहर जाने के लिए, इधर आए। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा फुटफॉल आपके घर में किन किन दिशाओं पे होता है, किन किन जगहों पर होता है? मोस्टली जो फुटफॉल होता है वो ब्रह्मस्थान पर होता है सबसे ज्यादा, बाय डिफॉल्ट ही। तो आपके घर में ऐसी कौन सी
ऐसा टेंटेटिव सेंटर आप देखेंगे जो एक घर का भ्रम स्थान होता है उसको सबसे ज्यादा इंटरसेक्ट किया जाता है, सबसे ज्यादा व्यक्ति उसमें घूमता है। तो आप अपने घर का सेंटर देखें, कंपास खोलें, उसको हाथ पर रखें, एंट्री द्वार की तरफ देखें। जैसे ही आप एंट्री एंट्री द्वार की तरफ देखेंगे तो वो कंपास घूमेगी। तो जैसे ही आपकी कंपास घूमे तो आपने इसमें देखना है, एक सेकंड पहले ये देखिए, आपने इसमें क्या देखना है कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ये 35 डिग्री से लेकर और करीब करीब 55 डिग्री के बीच का एरिया, 56 डिग्री का दिखा सबको। एक सेकंड, ये माउस पे नहीं सपोर्ट, एक सेकंड दीजिए। तो वो नहीं चल रहा, कोई रीजन की वजह से माउस नहीं ऑपरेट हो पा रहा है, कोई टेक्निकल इशू लगता है। तो क्या करेंगे आप कि 35 से 55 डिग्री किस दिशा में आ रहा है, सेंटर में ही खड़े रहेंगे, कंपास को एंट्री गेट की तरफ रखेंगे, मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करना राइट लेफ्ट, बस एंट्री गेट की तरफ ही देखना, और वहां देखते हुए वो 55, वो 35 से 55 डिग्री कहाँ आ रहा है उसकी तरफ अपना हेड को मूव करते हुए, राइट लेफ्ट, जैसे नॉर्थ ईस्ट राइट में आ रहा तो हेड को राइट करना, खुद नहीं मूव होना, खुद स्टैटिक हो जाना। तो वहां पे कहां नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, वहां पे देखिए कि क्या है, अगर कुछ हैवी पड़ा है तो क्या घर में हैवीनेस फील होती है, किचन है तो क्या घर में एग्रेशन की पीड़ा है, लाल रंग है तो एग्रेशन है, येलो है तो क्या वहां पे हैवीनेस हो रही है, कोई सिलाई मशीन पड़ी है तो कोई ऐसा थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा है, क्या बेडरूम है, अगर बेडरूम है तो भी बहुत ज्यादा मंथन का प्रोसेस चलता है, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए क्या है, हैवी है और हैवीनेस फील होती है तो उसको थोड़ा हटा के देखिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एक रेमेडी और बताता हूं, एक बार इन सबको जवाब दे दूं एक बारी, जो जमीन के नीचे, जो जमीन के नीचे रेमेडीज की जाती है वो भी है किसी कोर्स में? हाँ, ये सभी कोर्स है ही, इसलिए रेमेडियां भी हैं उनके अंदर, सारी रेमेडीज हैं। रजत, ये सब भी बताएंगे, परफ्यूम एंड आयुर्वेद नहीं, एरोमा वास्तु अलग कोर्स है, आप वेबसाइट पे जाएं देख लीजिए, अरुमा वास्तु अलग है, आयुर्वेद का जो पार्ट है वो देवताओं में इंक्लूड हो जाता है जब देवता का कोर्स, ये बेसिक और बेसिक से एक लेवल ऊपर एक्सपर्ट है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक प्लस एक्सपर्ट है। जैसे भूमि की क्या प्रकृति है उसको देखना, क्या दोष है भूमि में वो देखना, है ना, और वात पित्त काफ का दोष देखना, व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उसके लिए भूमि की सिलेक्शन करना, ये सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और कैसे प्रोफेशनल रिपोर्ट्स करनी है, इसमें मैं क्लाइंट कंसल्टेंट रोल प्ले भी करवा रहा हूँ कि कैसे आप लोग फीस ले क्लाइंट से, कितनी फीस ले, कैसे आप लोग क्लाइंट को अच्छे से बिहेव करें, उसके साथ बात करें, क्या क्या वो जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं शास्त्र तो नहीं बेच सकता हूँ क्योंकि शास्त्र अनमोल है, मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों को दे सकता हूँ, है ना। प्रदीप कह रहे हैं, प्लीज सेंड मी पंचतत्व मेडिटेशन इफ साउथ ईस्ट इज क्लोज्ड, व्हाट टू डू, हाउ टू यूज ऑस्पिशियस फायर इन साउथ ईस्ट, आई ऑल्सो वांट हाउ टू टेक वास्तु रीडिंग। साउथ ईस्ट इज क्लोज्ड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, दोबारा से लिखें प्रदीप, साउथ ईस्ट में क्या है ऐसा लिखें, अब तो आपको आ गया कैसे मैप करना है। संजय, मोस्ट वेलकम संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका, भरत आपका भी बहुत स्वागत है। इफ SSW बेडरूम, अभी SSW का बेडरूम तबीयत खराब करता है, इसका ध्यान रखिएगा गौतम। वी डोंट हैव एनी प्लेस, हाउ टू बैलेंस, उसके नीचे एक क्रीम कलर का मैट बिछा दीजिए बेडरूम के। अच्छा,
जो एक्सपर्ट है उसमें हमने ये सब रखा हुआ है कि अगर तुम फंस जाओ, रेमेडी ना समझते में आए कि SSW का बेडरूम नहीं चेंज कर सकते हो तो क्या करना है, अभी के लिए मैट बिछा दो। मैंने मेरा मैप भेजा है, मैं मैप नहीं देखता हूँ सोनू, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं, आप कोर्स से रिलेटेड पूछिए। आपके मैप पे आप खुद वर्किंग कीजिए, अगर आपको वर्किंग करने में कोई ट्रबल हो रहा है, कोई हर्डल हो रहा है, फिर मैं हूँ आपके साथ, लेकिन आप खुद से कुछ कीजिए पहले। खाली मैप देखकर मुझे बता दो, ऐसा प्लीज नहीं कीजिए। पारुल पंचतत्व मेडिटेशन मिल जाएगी, अभी मैसेज क्या आ रहा है, सर इफ वन हैज अ किचन एंड टॉयलेट इन अ ब्रह्म स्थान व्हाट इज द रेमेडी, इफ वन हैज अ मास्टर बेडरूम इन साउथ ईस्ट देन व्हाट इज द रेमेडी। हर चीज रेमेडी नहीं है। अगर ब्रह्म स्थान पे तुम्हारे टॉयलेट आ रहा है घर के, तो सिम्टम देखेंगे कि मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, नहीं पीड़ा दे रहा, नहीं पीड़ा दे रहा तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। साउथ ईस्ट का बेडरूम एग्रेशन देता है तो देखेंगे कि कहीं एग्रेशन की पीड़ा है कि नहीं, अगर है तो कोशिश करते हैं इसको रिलोकेट कराने। सर विल आई लर्न द बेसिक्स इन, नहीं बेसिक्स नहीं है, सिर्फ 2100 रुपए के वास्तु कोर्स के अंदर बेसिक्स प्लस एक्सपर्ट है एंड इट इज अ सर्टिफाइड कोर्स। प्लिंथ लेवल कम ज्यादा किसका, थैंक यू सर। फ्लैट है चेंज नहीं कर सकते, हाँ तो चेंज करने की जरूरत नहीं है सर, इफ वन हैज अ किचन एंड टॉयलेट एंड रूम्स हैं फ्लैट, हाँ चेंज नहीं कर सकते हो तो पहले ये चेक करो कि वहां पर पीड़ा आ रही है कि नहीं आ रही है। सबसे पहली चीज तो यही है कि क्या पीड़ा है, अगर पीड़ा है तो उपचार करना पड़ेगा, और अगर उपचार रिलोकेशन है, क्योंकि कहीं बारी रिलोकेशन ही एक माध्यम रह जाता है, हम बोलते हैं क्लाइंट को कि आप रिलोकेट कर दीजिए, ठीक है, और अगर वो नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं आपे की पीड़ा सेल्फ जनरेटेड, क्योंकि या तो एडवाइस लो नहीं, और अगर ली है तो उसे मानो, पर कोशिश करते हैं कि पहले उसका ब्रह्म स्थान भी रिलोकेट हो जाता है, वो एक्सपर्ट में बताया जाता है कि कैसे तुम ब्रह्म स्थान भी रिलोकेट कर सकते हो, वो उसका पार्ट है। साउथ वेस्ट चेक करो बेटा, जो प्रॉब्लम लिखी है उससे रिलेटेड साउथ वेस्ट चेक करिए आप, ठीक है। मेरी ये स्क्रीन कैसे आएगी वापस से, ये IT का बहुत लफड़ा है भाई। ये लॉकडाउन ने सिखाया है सारा ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम, नहीं तो ऑफलाइन पढ़ाते थे मजे से स्टेज लगाकर, हाँ पर मजा आता है, संवाद ज्यादा हो गया है। जो लोग कहते थे कि अपन आ नहीं सकते हैं, उनको बहुत सहूलियत हो गई है। हम लोगों ने जैसे मार्च में लगा था लॉकडाउन शायद, कि फरवरी के एंड में था, मार्च में था, जब भी था तो विद इन 2 वीक्स उसके हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया था, और हमारे फर्स्ट बैच के अंदर देर वर अबाउट 350 स्टूडेंट्स, क्योंकि पूरा डेटा उसका, जो लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते थे अपने पास जो भी था उनको एक चिट्ठी डाल दी, मेल डाल दी कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और सब लोगों ने बैक टू बैक एनरोलमेंट करी उसके अंदर। और सबसे पुराने स्टूडेंट मेरे ये प्रवीण और ये सिमी, ये रजित आहूजा जहाँ लिखा हुआ है, ये तो क्लास में पढ़े हैं मुझसे, हर सेशन में आ जाते हैं। ये सिमी का नक्शा कम से कम 10 बार ही देख चुका हूं मैं, 10 बार इसका वास्तु का नक्शा देख चुका हूं मैं ऐसा नहीं करता कि स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँ अपने आप करो ये वो, लेकिन ये है कि हाँ एक थोड़ा कनेक्शन बनने में समय लगता है ना। तो ये बच्चे मेडिटेशन सेशन में भी आए हैं, सिमी अपन मेडिटेशन कराते थे तो उसके अंदर भी आए हैं क्लासरूम में, वहाँ नेताजी सुभाष पैलेस में जो अपना ऑफिस है वहां पर, ये गुड़गांव वाले ऑफिस में भी आए हैं मेडिटेशन पे, तो ये आते हैं। तो सिमी तुम्हारे घर पे आना ड्यू है,
राजीव को बोलना कि जैसे ही थोड़ा सा माहौल ठीक होता है आते हैं। नमस्कार राजीव, कैसे हैं? बढ़िया हो? वेरी नाइस। तो इसको अच्छे से करें आप, जो भी आपके प्रश्न अब रह गए हैं उसको अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। नेक्स्ट सेशन कब होगा, कैसे होगा, कितने बजे होगा, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेटिव सेशन हो। यूट्यूब पर एक पेज भी है अपना वन वर्ल्ड वास्तु का, उसको भी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा इंफॉर्मेटिव मटेरियल है आपके पास। फेसबुक के लिए ईशा जी आपको भेज देंगे। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मेडिटेशन जरूर करें। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि सभी लोग मेडिटेशन जरूर करें, है ना। मेडिटेशन में आप अपने में स्थित हो जाते हो, और जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते वो दिन में कुछ समय, वो फिक्स समय होना चाहिए, वो करें जो उन्हें अच्छा लगता है। जैसे किसी को वॉक करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग अच्छी लगती है। तो जब तुम कोई ऐसा कार्य करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम अपने आप में स्थित हो जाते हो, है ना। इसलिए जरूर वो करें जो आपको अच्छा लगता है। जीवन बहुत सरल है, इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करें, बिलीव मी। मैं पारिवारिक जीवन में भी रहता हूँ पर बिल्कुल सरलता के साथ रहता हूं, और बहुत मजा आता है उसमें, है ना। मैं जीजा बन के नहीं रहता, ये ध्यान रखना। वो जवाई और जीजो वाला काम बड़ा खराब है, कहीं पहुंच जाते हैं ये अपना रोम मारने। तो जब आओगे सेशन में कहानियां, तब के लिए तुम्हें सुनाऊंगा, खूब सारी है मेरे पास अपने अनुभव की, और जीजो के ऊपर तो मेरी बहुत स्पेशल कृपा है। तो जीजे तैयार रहना, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, सब लोगों से। गुरुदेव की बड़ी कृपा है, और बहुत बहुत धन्यवाद उन सब जीवात्माओं का जो यहाँ सुनने के लिए आए, और ऐसे ही गुरु परंपरा के साथ जुड़े रहें, और परमात्मा आपको खूब अबेंडेंस दे। ठीक है, गुड नाइट फॉर नाउ। अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें, खुश रहें, बहुत जल्दी मिलेंगे। जिनके क्वेश्चन रह गए हैं मैं आराम से जवाब दे दूंगा, ऐसा नहीं सोचना कि बीच में पूरा सेशन बिठा के मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, वेरी बैड। ठीक है, मैं कुछ व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर दूंगा, कुछ विशेष होगा तो कॉल भी कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू सो वेरी मच सब लोगों का। राजीव को गुड नाइट कहना, गुड नाइट राजीव, ध्यान रखें अपना। बाय बाय। जाते क्यों नहीं तुम लोग, मेरा मन नहीं करता, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सिम में सब लोग बैठे हैं, पूछो, मेरा मन नहीं करता सेशन छोड़ के जाने का, क्योंकि मेरा तो पैशन है। तुम लोग जाओ, एक एक करके सब एग्जिट होते जाओ। अरे जाओ बाबा, ये तुम्हें बताता हूँ, ये सिम में पढ़ने के लिए आए थे, रात को 2:30 बजे गए थे एक क्लास में से, हाथ जोड़ के भेजा था प्लीज जाओ, जाते क्यों नहीं। और ईशा जी को कहा कि ईशा जी ध्यान रखो कि सब लोग 8 बजे तक चले जाएं, सुबह 9 बजे के आए होते हैं, 9 बजे मेरे पास आने का मतलब है 7 बजे चलना और फिर घर से निकलना, आते आते में भी 1 घंटे का सफर। अभी सुबह 8 बजे पलटन देखना कितनी होगी। ठीक है सिम, एग्जिट करो, अच्छे से डिनर करो, सब लोग जाओ बाबा जाओ। गुड नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड, वेरी नाइस, बाय 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 कुणाल।